हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका बीएसएल हाई इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में। आज की इस वीडियो में प्रॉब्लम 7.2 कंप्लीट सॉल्व करेंगे। फ्रेंड्स, प्रॉब्लम 7.2 एरिया इनक्लोज बाय प्लेन कर्व के ऊपर बेसिस है। यानी अभी तक हमने सीखा कि सिंगल इंटीग्रल का यूज़ करके किस तरह से हम एरिया फाइंड करते हैं, लेकिन इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि डबल इंटीग्रल का यूज़ करके हम किस तरह से एरिया को फाइंड करते हैं, कर्व के बीच बने हुए एरिया को कैसे हम फाइंड करते हैं। इससे पहले कि हम वीडियो में आगे बढ़े, अगर आपको हमारा काम पसंद आ रहा है और चाहते हो कि आपके साथ हमारा भी ग्रोथ हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें, और वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक ज़रूर करें। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखो फ्रेंड्स, प्रॉब्लम 7.2 में कोई भी चीज़ ऐसा नहीं है जिसे मुझे डिफाइन करने की ज़रूरत है। ठीक है, ये सारी चीज़ों से आप परिचित हो, एरिया से परिचित हो, इनक्लोज से परिचित हो, प्लेन कर्व से परिचित हो, तो ये सब चीज़ जानते हो। जो चीज़ नहीं पता होता उसके बारे में बताता हूँ। तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला पाते हैं। तो देखो, आपके दो टाइप के कोऑर्डिनेट सिस्टम मिलेंगे। पहला कोऑर्डिनेट सिस्टम मिलेगा आपको कार्टेशियन का, दूसरा मिलेगा पोलर का। इसमें आपको पैरामेट्रिक का देखने को नहीं मिलेगा प्रॉब्लम 7.2 में। तो अगर आपका कर्व का इक्वेशन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में दिया हुआ है, तो आपके पास दो फॉर्मूले होंगे सॉल्व करने को, यानी एरिया निकालने को। तो पहला आपका मेथड होगा वर्टिकल स्टीप, यानी आपको कर्व में वर्टिकल स्टीप लेना है। तो उस केस में आपका ये वाला फॉर्मूला यूज़ होगा, एक्स वन से लेके एक्स टू और एफ वन एक्स से लेके एफ टू एक्स। यानी अगर आप कर्व में वर्टिकल स्टीप लेते हो, तो आपको इस फॉर्मूले का यूज़ करके सॉल्व करना है। अगर आप जो है हॉरिजॉन्टल स्टीप लेके सॉल्व करते हो क्वेश्चन को, तो आप इस फॉर्मूले का यूज़ करोगे। देखो फ्रेंड्स, क्वेश्चन में लिखा नहीं रहेगा कि आपको वर्टिकल स्ट्रिप लेने हैं या हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लेने हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कौन सा स्ट्रिप लेते हो, वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल। याद रहे, जो भी लोगे उसके अनुसार आप फॉर्मूला यूज़ करोगे। अगर आप लेते हो वर्टिकल यानी पैरेलल टू वाई एक्सिस, अगर आप स्ट्रिप लेते हो, जैसे ये देख सकते हो यहाँ पे, ये आपके कर्व है, ये आपका ये कर्व है, दूसरा कर्व ये है। ठीक है, तो इस तरह से दोनों को जोड़ने वाला, कि अगर स्ट्रिप आप लेते हो, ओके, दोनों को जोड़ने वाला आप अगर स्ट्रिप लेते हो पैरेलल टू वाई एक्सिस, तो आप इस फॉर्मूले का यूज़ करोगे। और अगर जो है यहाँ पे एक्स एक्सिस के पैरेलल स्ट्रिप लेते हो, देख सकते हो यहाँ पे, तो आपको इस फॉर्मूले का यूज़ करने हैं। ये तो फ्रेंड्स फॉर्मूला हो गया। आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये फॉर्मूला आया कैसे, डबल इंटीग्रल से हम एरिया कैसे निकाल सकते हैं। आपने तो थ्योरी पार्ट में बताया था कि हम वॉल्यूम निकाल सकते हैं, तो एरिया कैसे निकाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने थ्योरी पार्ट में जब स्टार्ट किया था चैप्टर को, तो ये भी बताया था कि हम एरिया भी इसे निकाल सकते हैं। एप्लीकेशन ऑफ डबल इंटीग्रल में मैंने बताया हुआ था कि हम एरिया भी निकाल सकते हैं। मैं बताता हूँ आपको ये फॉर्मूला आया कैसे है। लेट करो फ्रेंड्स, यहाँ पे एक लाइन है ना, ये लाइन, और ये लाइन का लिमिट है। लेट करो कि यहाँ पे जो है और एक्स इक्वल टू ए और दिस लाइन इक्वल टू एक्स इक्वल टू बी, यहाँ पे पॉइंट्स है। इसका पूरा मुझे लेंथ चाहिए, इसका मुझे पूरा लेंथ चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे छोटा सा छोटा सा छोटा सा लेंथ यहाँ पे ले लूँगा। देखो, लेंथ ऑफ आर्क याद है आपको, आर्क का हम लेंथ निकालने में यूज़ करते हैं इंटीग्रल का, ओके। तो हम यहाँ पे ले लेते हैं छोटा सा लेंथ डी एक्स ले लेते हैं। तो अगर मैं इस छोटे से डी एक्स को इंटीग्रेट करूँ, ये छोटा सा लेंथ है, बहुत छोटा लेंथ है। इसको मैं अगर इंटीग्रेट करूँ ये लिमिट तक, ए से लेके बी तक, ओके, ए से लेके बी तक मैं इंटीग्रेट करूँ, तो ये पूरा का लेंथ मुझे मिल जाएगा, ओके। एक्स हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन, लिमिट हो जाएगा ए से लेके बी, और यहाँ से बी माइनस सी हो जाएगा, तो पूरा इसका लेंथ हो जाएगा। अब मैं जो इसी लेंथ को, ये जो लेंथ है, इसको मैं रोल करवा रहा हूँ इस तरह से, ठीक है। ये घस सकते हो, यहाँ से जो है, यहाँ से देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे लेट करो कि पॉइंट हम यहाँ पे मार्क कर देते हैं, दिस पॉइंट चाहिए है ना। यहाँ से सपोज करो ये रोल करता हुआ जा रहा, ऊपर जा रहा, ऐसे ऐसे जा रहा, ऊपर की ओर जा रहा, और यहाँ तक गया, ठीक है, ये यहाँ तक गया फ्रेंड्स। तो इस पॉइंट को बी मार्क कर देते हैं, ये बी तक गया। तो जब ये ऐसे ऐसे रोल करते हुए जाएगा, तो इस पूरे को जो है वो तरह से समझो पेंट करता हुआ जाएगा, ठीक है, ऐसे करते जा रहा है। तो सपोज करो उस पर पेंट लगा हुआ, वो पेंट करते जा रहा है, ये सबको पेंट कर देगा, ऐसे 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 पेंट कर देगा, ठीक है, ये पेंट कर दिया। तो जब यहाँ से लेके यहाँ तक ये पेंट कर रहा था, तो यहाँ तक हमने लिमिट डिफाइन कर लिया है कि ये जो है और वाई इक्वल टू सी है, और दिस पॉइंट जो वाई इक्वल टू टी है।
तो फ्रेंड्स जब ये y इक्वल टू सी से लेके y इक्वल टू डी तक गया तो यहाँ पे भी देख सकते हो, यहाँ पे एक लेंथ बन रहा है, ये देखो, ओके ये बन रहा है ना। तो ये आपका छोटा सा, इसमें भी छोटा सा लेंथ डी वाई ले लो, क्या ले लो, देखो y इक्वल टू सी से लेके y इक्वल टू डी तक यहाँ पे लेंथ बनेगा ना एक, यहाँ पे ध्यान से देखो तो, है ना, है ना। तो ये छोटा सा जो है लेंथ यहाँ पे डी वाई ले लो, ओके ले लिया डी वाई। अब मुझे अगर ये पूरा लेंथ चाहिए, अगर ये पूछे पूरा लेंथ चाहिए तो मैं क्या करूँगा, छोटे से डी वाई को इंटीग्रेट करूँगा, ओके सी से लेके डी तक, वाई इक्वल टू सी से लेके वाई इक्वल टू डी तक, ओके। तो ये डी वाई का हो जाएगा वाई, और लिमिट पुट करूँगा यहाँ से सी से लेके डी, तो यहाँ से डी में से सी आ जाएगा। ये पूरा लेंथ निकल के आ गया, ये वाला ये निकल के आ गया, और ये भी हमने निकाल रखा है इससे, और ये जो निकाला इससे निकाला। एरिया निकालने के लिए क्या चाहिए होता है, एरिया निकालने के लिए अगर ये देखो ध्यान से, एक रेक्टेंगल बन रहा है, रेक्टेंगल बन रहा है ना यहाँ पे, ध्यान से देखो, मैंने बोला कि ऐसे करते करते जाएगा, तो ध्यान से देखो तो एक रेक्टेंगल बन रहा है यहाँ पे, ओके। तो एरिया निकालना है हमें इस रेक्टेंगल का, तो क्या चाहिए हमें, चाहिए लेंथ इंटू ब्रेथ चाहिए, लंबाई गुणा चौड़ाई, ठीक है। तो इसकी लंबाई क्या है, ये इसकी लंबाई है, देखो ये इसकी लंबाई है, जो क्या फ्रेंड्स यहाँ पे, जो जो कि फ्रेंड्स यहाँ पे बी माइनस ए है, तो बी माइनस ए यहाँ पे लिख देंगे इंटू बी। और ब्रेथ चाहिए, तो ये देखो ब्रेथ है जो कि क्या है, डी माइनस सी है, डी माइनस सी है ना। अब देखो यहाँ पे बी माइनस ए, बी माइनस ए कहाँ से आया, इससे आया है, आया है ना इससे, तो यहाँ से हो जाएगा आपका डी एक्स ए से लेकर बी, ओके। और आपका जो सी, डी माइनस सी है, ये कहाँ से आया, इससे आया है, तो ये आपका हो जाएगा वाई इक्वल टू सी से लेके वाई इक्वल टू डी तक हो जाएगा आपका यहाँ पे, और ये हो जाएगा आपका डी वाई। तो ये आपका हो गया एरिया, है ना। तो अभी आपका एरिया को ऐसे हम लिख सकते हैं यहाँ पे, इसको डबल इंटीग्रल को साथ में ले लो, ये आपका ए टू बी हो जाएगा, और यहाँ पे वाई इक्वल टू सी से लेके वाई इक्वल टू डी तक, इन दोनों को साथ में लिख दो, डी एक्स डी वाई, देखो तो ये आ गया। देखो यहाँ पे, यहाँ पे कुछ नहीं है, बस फंक्शन के फॉर्म में दिया है, एफ वन एफ टू दिया है, एक्स वन एक्स टू दिया है, तो ये आपका लिमिट यहाँ पे कुछ भी हो सकता है ना, जिसके रिस्पेक्ट में पहले कर रहे हो उसका लिमिट यहाँ पे पहले होगा, जो स्ट्रिप ले रहे हो, जैसे कि आपने यहाँ पे लिया ऐसे लिया स्ट्रिप, ओके, तो आप इसका यूज़ करते हो। तो मैं आपको ये सिर्फ बताना चाहता हूँ कि ये फॉर्मूला आया कैसे है। देखो एरिया निकालना है तो आपको दो डायमेंशन चाहिए होता है, एक लंबाई चाहिए, दूसरा चौड़ाई चाहिए। और फ्रेंड्स यहाँ पे कोई फंक्शन नहीं है, देखो यहाँ पे कोई फंक्शन नहीं है, देख सकते हो, ठीक है, यहाँ पे सिर्फ एक नंबर है कांस्टेंट हो वन, ओके। अगर ऐसा हो तो यहाँ पे ध्यान से देखो तो यहाँ पे दो ही डायमेंशन मिल रहे हैं, एक एक्स और एक वाई। जब दो डायमेंशन मिल रहे हैं और उनको मैं इंटीग्रेट करूँगा तो क्या मिलेगा, एरिया मिलेगा भाई, टू डायमेंशन में तो सिर्फ एरिया मिलता है ना। अगर वॉल्यूम चाहिए तो एक और डायमेंशन को मल्टीप्लाई करना होगा मुझे, यानी अगर ये डी एक्स डी वाई दिया है तो यहाँ पे कहीं ना कहीं जेड होना चाहिए, तो तीन डायमेंशन हो जाएगा, एक दो तीन, तो तीन डायमेंशन जब होता है तो थ्री डी जनरेट होता है, और थ्री डी में आपका वॉल्यूम निकल के आता है, समझ में आ गया। तो ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कौन सा स्ट्रिप लेते हो, ये वर्टिकल लेते हो या आप हॉरिजॉन्टल लेते हो, जो भी लो उसके अनुसार आप यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ करोगे, क्वेश्चन करेंगे तो हम समझ जाएंगे। दूसरा देखो कोऑर्डिनेट है पोलर कोऑर्डिनेट, अगर आपका क्वेश्चन पोलर कोऑर्डिनेट में दिया हुआ है, कर्व का इक्वेशन पोलर कोऑर्डिनेट में दिया हुआ है, तो फ्रेंड्स अगर आपका कोऑर्डिनेट जो है पोलर में दिया हुआ है तो आप इस फॉर्मूले का यूज़ करोगे। पहले आप जो आर वन आर टू का लिमिट लिखोगे, याद रहे पहले आपका इसी का लिमिट लिखा जाएगा, ये फॉर्मेट ऐसे ही रहेगा, याद रहे। उसके बाद आप थीटा का लिमिट लिखोगे, ओके। तो पहले आप आर के रिस्पेक्ट में करोगे, उसके बाद थीटा के रिस्पेक्ट में करोगे, तो आपका कर्व कैसा भी हो सकता है, यहाँ पे देख सकते हो, लेट करो कि यहाँ पे जो है आपका थीटा का वैल्यू थीटा वन है, और जब फाइनल कर्व यहाँ पे बन रहा है वहाँ से आपका इनिशियल लाइन से थीटा एंगल थीटा टू बन रहा है, ओके। यहाँ पे देखो कर्व आपका यहाँ से बनना शुरू हो रहा है, इधर कर्व नहीं है आपका, यहाँ से बनना शुरू हो रहा है और यहाँ पे जाकर ख़त्म हो रहा है। तो आर का लिमिट क्या है यहाँ पे, आर इक्वल टू आर वन यहाँ पे है, और यहाँ पे आपका आर इक्वल टू आर टू है, ठीक है। तो ये लाइन आर वन से शुरू होकर आर टू तक गया है, तो इस तरह से आर का लिमिट निकल जाएगा। तो यही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। देखो फ्रेंड्स एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा, यहाँ पे जब पैरेलल टू वाई एक्स जब स्ट्रिप लेते हो तो पहले आप यहाँ पे वाई का लिमिट लिखते हो, जो एफ टू एक्स है, आपको यहाँ पे एफ वन एक्स है, ये एफ वन एक्स, और जो एफ टू एक्स लिखा हुआ है ये वाई का लिमिट है ना, ये वाई का लिमिट है फ्रेंड्स।
तो जब आप पैरेलल टू वाई एक्सिस लेते हो तो पहले आप यहाँ पे लिमिट किसका लेते हो, वाई का, हो गए। और जब आप जो है पैरेलल टू एक्स एक्सिस लिमिट लेते हो, है ना, इस तरह से स्ट्रिप लेते हो इस तरह से, तो आपको यहाँ पे पहले आपको एक्स का लिमिट लेना होता है। फ्रेंड्स यहाँ पे वाई होगा, ठीक है, ये एक्स का लिमिट है, यहाँ पे इम्प्रूव कर लेना, यहाँ पे आपका वाई होगा। तो ये आपका एक्स का लिमिट है और ये वाई का लिमिट है, यहाँ पे ये वाई का लिमिट है और ये आपका एक्स का लिमिट है। क्लियर? क्वेश्चन करते हैं, तो चलो क्वेश्चन करते हैं। प्रॉब्लम 7.2, फाइंड बाय द डबल इंटीग्रेशन द एरियल लाइन द बिटवीन द पैराबोला एंड द लाइन। ये बोल रहा है कि पैराबोला का इक्वेशन है, लाइन का इक्वेशन है, इनके बीच जो एरिया बन रहा है उसको फाइंड करो बाय डबल इंटीग्रेशन। देखो फ्रेंड्स, एरिया तो हम सिंगल इंटीग्रेशन से भी फाइंड कर सकते हैं, इसलिए क्वेश्चन में आपका मेंशन रहेगा कि डबल इंटीग्रेशन से निकालना है या सिंगल इंटीग्रेशन से। अगर नहीं दिया है तो आप कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हो, उसमें नहीं बोला गया है कि आप सिंगल से निकालो या डबल से निकालो, तो आप कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हो, ये आपके एग्जाम में। लेकिन यहाँ पे तो हम जो है पढ़ रहे हैं प्रॉब्लम वाइज, तो यहाँ पे बताएगा ना कि कैसे निकालना है। तो यहाँ पे हम डबल इंटीग्रेशन का यूज़ करके हम एरिया फाइंड करेंगे पैराबोला और लाइन के बीच। तो देखो फ्रेंड्स, ये आपका एक क्वेश्चन दिया हुआ है, तो देखो जब क्वेश्चन दिया रहे तो सबसे पहले आपको देखना है कि कहीं ये जो कर्व है ये एक्सिस को तो कट नहीं कर रहे हैं और कहीं एक दूसरे को तो कट नहीं कर रहे हैं, ये जितने भी कटिंग पॉइंट्स हैं उनको आपको निकाल लेने हैं। तब आपको स्केचिंग करने हैं, तो पहले आपको कटिंग पॉइंट निकालने हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, कटिंग पॉइंट निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, एक बार वाई जीरो पुट करना होता है और देखना होता है एक्स कहाँ पे कट कर रहा है, और एक्स जीरो पुट करते हैं फिर वाई चेक करते हैं, ऐसे करते हैं ना। तो हम चेक करते हैं यहाँ पे, यहाँ पे हम लिखेंगे सॉल्यूशन, और यहाँ पे सबसे पहले हम चेक करेंगे, यहाँ पे हम एक्स पहले जीरो पुट करके देखते हैं। तो जब हम इसमें एक्स जीरो पुट करेंगे तो वाई का मान आपका जीरो हो जाएगा, जीरो जीरो हो जाएगा ना, तो वाई का मान जीरो हो जाएगा। और जब मैं वाई इक्वल टू जीरो पुट करूँगा तो देखो क्या होगा, ये जीरो हो जाएगा, तो ये क्या बचेगा, 4x-x² = 0। ओके, और यहाँ से आप जो है कॉमन कर लो एक्स को, एक्स कॉमन करो तो 4-x = 0 बचेगा। ओके, तो यहाँ से आपका x = 0 आएगा एक, और एक 4 आएगा, तो एक्स का दो वैल्यू आएगा, 0 और 4, कब, जब आपका वाई 0 हो रहा है तब। तो यहाँ पे हमारा पॉइंट क्या मिलेगा, 0,0, है ना, 0,0, और दूसरा मिलेगा 4,0, दो पॉइंट्स, यानी जो पैराबोला है इस दो पॉइंट पे कट कर रहा है, इससे हमें ये मिला। अब देखो, अब हम देखते हैं कि कहीं ये तो एक्सिस को कट नहीं कर रहा, ठीक है, तो वाई इक्वल टू एक्स है, एक्स जीरो करने पे वाई जीरो हो रहा है, वाई जीरो करने पे एक्स जीरो हो रहा है, मतलब ये सिर्फ ओरिजिन से ही पार होगा, सिर्फ ओरिजिन पे कट करेगा, है ना। देखो एक्स इक्वल टू जीरो तो वाई इक्वल टू जीरो आ रहा है, तो इसका जो पॉइंट होगा 0,0 होगा। अब हम चेक करेंगे कि ये दोनों एक दूसरे को तो कट नहीं कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, जहाँ पे यहाँ पे वाई है वहाँ पे एक्स पुट कर देंगे, मतलब एक दूसरे को साथ में हम सॉल्व करेंगे। तो देखो ये दिया है वाई इक्वल टू 4x-x², तो वाई की जगह हम यहाँ पे एक्स पुट करेंगे, 4x-x² हो जाएगा। एक दूसरे को देखना है ना कट कर रहा है कि नहीं कट कर रहा है, तो दोनों को साथ में लेके हमें सॉल्व करना होगा। अब क्या करते हैं, हम इसको दोनों को जो है इस साइड ले आते हैं दोनों को, तो जब इसको इस साइड लाएंगे तो एक्स में से 4x जाएगा, तो ये 3x हो जाएगा माइनस में, और ये प्लस हो जाएगा, तो इस तरह से होगा। यहाँ से एक्स कॉमन करो तो x-3 होगा इक्वल टू 0, तो x = 0 और x = 3 आएगा। अब ये जो x = 0 आया इसमें रखो, जिससे वाई का वैल्यू आएगा, जब इसमें 0 पुट करोगे एक्स की जगह तो वाई भी 0 आएगा। जब x = 3 को हम इसमें पुट करेंगे तो क्या होगा, देखो 4×3 12 थे लेकिन 9, तो 12 में से 9 जाएगा, तो कितना बचेगा, 3, तो y = 3 आ गया। तो यहाँ से हम कोऑर्डिनेट निकालेंगे, देखो 0 रखा तो 0 आ गया, 0,0, और दूसरा हमारा 3 रखा तो 3 आ गया। तो इस पॉइंट पे ये दोनों कर्व एक दूसरे को कट कर रहे हैं, 0,0 पे और 3,3 पे, दो पॉइंट्स पे सिर्फ। अब फ्रेंड चलो हम स्केचिंग कर लेते हैं। तो देखो जहाँ जहाँ कट कर रहा है, देखो क्वेश्चन में मेंशन है कि ये पैराबोला है, मेंशन है कि पैराबोला है, बस दिमाग में सेट कर लो पैराबोला होता कैसे है, बस ये पता होना चाहिए। उसके बाद हमने कटिंग पॉइंट निकाल रखा है, इससे हम ड्रॉ कर लेंगे। पैराबोला कैसा होता है, ऐसे ही मुंह घुमाया रहता है ना, ऐसे ही इधर कभी कभी इधर मुंह घुमा लिया, कभी इधर मुंह घुमा लिया, इसका मुंह घुमाना ही काम है ना, तो इस तरह से मुंह घुमाया रहता है। चलो तो ड्रॉ करते हैं पैराबोला को। तो पैराबोला को ड्रॉ करते हुए हमें चीज़ों का ध्यान रखना है कि इस पॉइंट पे कट कर रहा है,
ओरिजिन से और इस पे 4.0 पे। तो यहाँ पे हम जो है इन डिफाइन कर लेते हैं फ्रेंड्स। देखो इन्हें डिफाइन कर रहे हैं, दिस पॉइंट से 1, दिस पॉइंट से 2, दिस पॉइंट 3 और 4। स्केल से करोगे तो आपका एग्जैक्ट थोड़ा सा डायग्राम बनता है ना। रफ भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बस हमें आइडियाज़ लेने हैं कि हमें किस तरह से स्टेप को लेने हैं और हमें क्या निकालना है और कौन से एरिया को निकालना है। तो चलो, तो देखो इस पॉइंट पे आपका 0.0 पे आपका कट कर रहा है आपका पैराबोला, दिस को पॉइंट 0.0 और 4.0 पे, ये 1 है, 2 है, 3 है, 4। तो यहाँ पे भी आपका हो रहा है तो 4.0 ये हो गया। तो दिस पॉइंट और दिस पॉइंट पे आपका कट कर रहा है पैराबोला। देखो फ्रेंड्स, ऐसे तो पैराबोला आपका और ओरिजिन से पास होता है तो कुछ इस तरह से होता है, कहीं कटता नहीं है, सिर्फ यहाँ पे ओरिजिन पे ही कट करता है, ठीक है। तो इसी तरह से लेकिन यहाँ पे आपका क्या है, दो पॉइंट से क्रॉस हो रहा है, इस पॉइंट से और इस पॉइंट से, तो कुछ इस तरह से होगा। ये मुँह घुमाया रहता तो मुँह घुमाया जैसा ही बनेगा इसका, ठीक है, मुँह फाड़े हुए जैसा रहता है। देखो कुछ ऐसे बनेगा। अब आप बोलोगे कि ऐसे आपने क्यों बनाया, आप थोड़ा दूसरे तरीके से बना सकते थे, तो आप ऐसे ही बना सकते थे, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखो, ऐसे तो कुछ मेंशन नहीं है इसमें। देखो इसमें एक्स का ना इवन पावर है ना वाई का इवन पावर है, तो किसी के अबाउट सिमेट्री भी नहीं है ये, ठीक है, किसी के अबाउट सिमेट्री नहीं है। तो देख सकते हो ना एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्री है ना वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्री है, तो हमने सिमेट्री बनाया भी नहीं है। और रहा कि हम इसे नीचे क्यों नहीं बनाए, तो देखो फ्रेंड्स यहाँ पे 3.3 पे कट कर रहा है और 3.3 में क्या है, पॉजिटिव है फ्रेंड्स, ठीक है। जो ऊपर होगा तभी यहाँ पे कट करेगा कहीं पे, ओके, तभी एरिया हमारा बन पाएगा। तो इसलिए हमने ऊपर वाला ऐसे लिया, ऐसे करके बनाया हुआ है। और अगर आपके इसके पीछे का कारण एग्जैक्ट जानना चाहते हो तो सिंपली कुछ नहीं करना, इसमें पहले पुट करते जाओ, पुट करते जाओ, 1 पुट करो, 2 पुट करो, 3 पुट करो, करते जाओ, ठीक है, तो आपको फाइनली मिल जाएगा। जब इसमें एक्स का वैल्यू पुट करोगे तो आपको वाई की वैल्यू मिलता जाएगा, मिलता जाएगा, उस तरह से आप स्केच कर पाओगे। लेकिन आपको रफ डायग्राम बनाना है, समझो कि ऐसा ही बनेगा। अब देखो दूसरा हमें ड्रॉ करना है वाई इक्वल टू एक्स। वाई इक्वल टू एक्स आप जानते हो ये थोड़ा तिरछा होता है, ठीक है, ऐसे होता है। लेकिन यहाँ पे देखो वाई इक्वल टू एक्स, ए लाइन और ये कर्व जो है एक दूसरे को इस पॉइंट पे कट कर रहे हैं, है ना, 0.0 पे यानी यहाँ पे, और 3.3 पे यानी 10.3। तो देखो अगर मैं यहाँ पे डिफाइन करूँ इसको 1, ठीक है, 1, 2 और दिस पॉइंट अगर 3, ठीक है, पॉइंट अगर 3 है। तो देखो फ्रेंड्स यहाँ पे इस पॉइंट पे ये 3 है, तो इस तरह से ये हो जाएगा, ये 3 और दिस 3, तो दिस पॉइंट जो 3.3 हो जाएगा। तो यहाँ पे और यहाँ पे आपका लाइन क्रॉस कर रहा है, ठीक है। तो मैंने बताया ना आपको इस पॉइंट पे जो है एक दूसरे को कट करेंगे, तो यहाँ पे जो है लाइन और ये पैराबोला कट करेंगे। तो देख सकते हो अगर मैं ऐसे लाइन खींचूँगा, ठीक है, यहाँ से पास करता हुआ, तभी जो है पैराबोला को दोनों पॉइंट पे कट करता हुआ निकलेगा, क्रॉस करता हुआ निकलेगा। अब हमारा स्केचिंग पूरा हो चुका है। अब यहाँ पे देखो फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे कि हमारा जो है कहाँ पे एरिया बन रहा है, कौन सा एरिया हमें फाइंड करना है। तो इसमें क्वेश्चन में मेंशन है कि लाइन और पैराबोला के बीच जो एरिया बन रहा है उसे फाइंड करना है। तो देखो ये लाइन है, ये पैराबोला है, यानी इस एरिया के बारे में बात हो रहा है, ये एरिया हमें फाइंड करना है। तो अगर हमें एरिया निकालना है तो हमें लिमिट की ज़रूरत पड़ेगी, और लिमिट निकालना है तो हमें स्ट्रिप बनाने की ज़रूरत पड़ेगी। और स्ट्रिप दो तरीका से बनता है, एक आपका पैरेलल टू एक्स एक्सिस और एक पैरेलल टू वाई एक्सिस। मैंने बताया था ना वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, ये आप पे डिपेंड है कि आप कौन सा लेते हो। तो मैं लेट करूँ यहाँ पे वर्टिकल ले लेता हूँ, आपका मन फ्रेंड्स हॉरिजॉन्टल भी ले लो आपका मन, ठीक है, मैं वर्टिकल ले रहा हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने वर्टिकल स्ट्रिप लिया है, यहाँ पे आपका टच कर रहा है स्ट्रिप और एक यहाँ पे टच कर रहा है, तो इस लाइन को यहाँ पे टच कर रहा है और इस कर्व पे यहाँ पे टच कर रहा है। तो देखो ये पैरेलल टू वाई एक्सिस है, मतलब इस तरह से वाई की ओर भाग रहा है इस तरह से, ठीक है, तो वाई की ओर भाग रहा है तो यानी ये वाई का लिमिट होगा, ओके, इस तरह से अगर देखें तो हम। तो अगर आपने पैरेलल टू वाई एक्सिस स्ट्रिप ले रखा है तो आप इस फॉर्मूले का यूज़ करोगे, मैंने बताया था आपको, यानी पहले आपको लिमिट जो लेनी है वो वाई की लिमिट लेनी है ना, तो हम वाई का लिमिट लेंगे। अगर आपने ऐसा स्ट्रिप ले रखा है तो, अगर आपने ऐसे लिया होता है तो आप पहले यहाँ पे एक्स का लिमिट लेते हैं, आपने ऐसे लिया है इसलिए आप पहले वाई का लिमिट लिखोगे उसके बाद एक्स वाला लिमिट लिखोगे। तो यहाँ पे हम इंटीग्रेशन का सिंबल बनाएंगे,
दो। अब हम पहले किसका लिमिट लेंगे, वाई का लेंगे, क्योंकि हमने पैरेलल टू वाई एक्सिस लिया हुआ स्ट्रिंग। ठीक है, तो देखो यहाँ पे टच कर रहा और एक यहाँ पे टच कर रहा, यहाँ पे वाई का वैल्यू क्या है, यहाँ पे वाई का वैल्यू क्या है फ्रेंड्स? तो यह ये तो लाइन का इक्वेशन है फ्रेंड्स, ये तो लाइन की इक्वेशन है, तो ये वाई इक्वल टू एक्स है आपका, तो यहाँ पे आपका वाई का वैल्यू एक्स है, लोअर लिमिट मिल गया। और यहाँ पे हमारा क्या है वाई का वैल्यू, यहाँ पे बताओ, तो ये क्या है फ्रेंड्स, ये तो आपका पैराबोला है, तो इसमें से वाई निकाल लेंगे, तो वाई क्या है हमारा देखो, है ना, वाई इक्वल टू 4x - x² है, तो अपर लिमिट मिल गया हमारा, ऊपर वाला लिमिट मिल गया 4x - x². ठीक है, अब क्या बचा, एक्स का लिमिट बचा फ्रेंड, तो एक्स का लिमिट लेना है, तो ये वाले स्टेप को रोल करवाना शुरू करो, ऐसे 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 गया इधर तक, ये घट सकता हुआ इस एरिया में जाएगा, कहाँ तक जा सकता है, यहाँ तक जा सकता है, इससे आगे नहीं जा सकता है, ये इसका जो है ये बाउंड्री है, ठीक है, इससे आगे नहीं जा सकता हो, ठीक है, और इधर कहाँ तक जा सकता है, यहाँ तक जा सकता है, तो यहाँ पे इस दोनों का ये ब्लॉकिंग पॉइंट एक तरह से देख सकते हो, तो यहाँ पे जब जाएगा तो बताओ यहाँ पे एक्स का वैल्यू क्या होगा, तो ये ओरिजिन है, एक्स का वैल्यू यहाँ पे क्या होगा, जीरो होगा ऑफकोर्स, और ये जो है स्टेप रोल करते हुए जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे यहाँ तक जा सकता है, इससे आगे नहीं जा सकता है ना, तो यहाँ पे 3.3 है, तो यहाँ पे एक्स का वैल्यू क्या है, 3 है फ्रेंड्स, ओके, और बाकी कहानी लिख दो dx/dy, वो तो एज इट इज रहता है। अब फ्रेंड्स कुछ करना ही नहीं, अब तो इंटीग्रेशन है, वो भी सिंपल इंटीग्रेशन है ना, बस करते जाओ 0 से लेकर 3। यहाँ पे देखो ये है वाई का लिमिट, तो वाई छोड़ेंगे एक्स को इधर भेजेंगे, क्योंकि अभी ये काम का नहीं है, 4x - x² dy हो जाएगा 0 से लेकर 3। अब देखो डी वाई का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स वाई होता है, तो ये वाई हो गया, लोअर लिमिट एक्स, 4x - x² पुट करो 0 से लेकर 3, तो एक बार वाई की जगह ये पुट करो, तो 4x - x², और एक बार एक्स पुट करो, डी एस को इधर लिखो, यहाँ देखो 4 में से 1 जाएगा, तो क्या बचेगा आपका, 0 से लेकर 3 हो जाएगा ये, और ये 3 बचेगा, 3x - x² और डी एक्स हो जाएगा, इंटीग्रेट करो इनको, तो यहाँ पे देखो 3 तो कांस्टेंट है आपका, एक्स का इंटीग्रेशन x² / 2 माइनस एक्स के पावर 2 का इंटीग्रेशन x³/3, लिमिट पुट करो 0 से लेके 3, तो एक बार जब 3 अब पुट करोगे इसमें तो क्या होती है, तो लेकिन होती है 27/2, और इसमें पुट करोगे तो लेकिन होती है 27/3, है ना, 0 पुट करो तो 0 हो जाएगा, तो इसको रखने का कोई मतलब नहीं है, फिर भी रख दो, कोई दिक्कत नहीं दिखाने के लिए, है ना। अब यहाँ पे हो गया एलसीएम ले लो, 3 दूनी के 6 एलसीएम हो गया, और 3 दूनी के 27, 27 तिया कितना होता है, 27 तिया फ्रेंड्स 81 होता है, और 3 दूनी के 6, 27 दूनी के कितना होता है, 54 होता है, तो 81 में से 54 जाएगा, तो ये 27 बचता है और नीचे 6 बचता है, ये आपका कट जाएगा, 9 से 27, 2 तीय 6, 9/2 आंसर। अगला क्वेश्चन करते हैं फ्रेंड्स, सेकेंड नंबर, फाइंड एरिया लाइंग बिटवीन द पैराबोला एंड द लाइन, पैराबोला और लाइन के बीच जो एरिया बन रहा है उसे हमें फाइंड करना है। यहाँ पे देखो जेड दिया हुआ है, जेड नहीं होगा यहाँ पे, मिस प्रिंट हुए, तो यहाँ पे 2 कर लेना, ये क्या है फ्रेंड्स, 2 है, याद रहे, तो इसे 2 कर लो और करते हैं सॉल्व इसको। देखो इसमें मेंशन नहीं है कि आपको डबल इंटीग्रेशन से निकालना है या सिंगल इंटीग्रेशन से, तो आप कोई भी मेथड लगा के कर सकते हो, लेकिन हम जो है चैप्टर 7 पढ़ रहे हैं, यानी डबल इंटीग्रल पढ़ रहे हैं, तो जो भी हम काम करेंगे डबल इंटीग्रल का यूज़ करते हुए, ट्रिपल इंटीग्रल का यूज़ करते हुए करेंगे, ट्रिपल तो हमें आगे पढ़ना है, देख सकते हैं यहाँ पर ट्रिपल है ना, ट्रिपल, तो ये आगे हम पढ़ना है, तो हम डबल का यूज़ करते हुए इसको करेंगे। तो ये रहा आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन, यहाँ पे देखो 2 कर लिया मैंने सुधार के, क्या चेक करते हैं हम लोग, हम लोग पहले चेक करते हैं कि कहीं एक्सिस को तो कट नहीं कर रहे हैं ये कर्व, तो पहले हम इसको चेक करते हैं कि कहीं ये एक्सिस को कट तो नहीं कर रहा, तो देखो जब एक्स में 0 पुट करूँगा तो वाई भी 0 हो जाएगा, और जब वाई 0 पुट करूँगा तो एक्स भी 0 हो जाएगा, यानी सिर्फ 0,0 के अलावा कहीं भी कट नहीं कर रहा, ठीक है, इसका चेक करो, तो x=0 पुट करो, जब इसमें x=0 पुट करोगे तो y=2 क्या आ जाएगा, 2 हो जाएगा, हो ना, और वाई जब 0 पुट करोगे तो एक्स आपका क्या जाएगा, 2 हो जाएगा, तो फ्रेंड देखो यहाँ पे x 0 है तो y 2 आ रहा है, यानी एक पॉइंट हमें मिल गया 0,2, और जब y 0 आया तो आपका x 2 हो गया, है ना, तो ये हो गया 2,0, तो ये 2 पॉइंट है जहाँ पे ये लाइन कट कर रहा है, ओके, ये ओरिजिन से और ये इस 2 पॉइंट से,
अब हम देखते हैं कि ये दोनों आपस में तो कहीं कट नहीं कर रहे हैं, तो इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, इसमें जहाँ पे वाई है वहाँ पे ये वाई का वैल्यू पुट कर रहा हूँ। यानी देखो दिया हुआ है एक्स प्लस वाई माइनस टू इक्वल टू ज़ीरो, तो इसमें वाई दिया है, ये जो वाई वाला वैल्यू है तो एक्स प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, वाई की जगह एक्स स्क्वायर लिख सकता हूँ, माइनस टू इक्वल टू ज़ीरो, यहाँ पर लिख सकते हो वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे सॉल्व करते हैं इसको, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू इक्वल टू ज़ीरो, इसको हम लिख सकते हैं एक्स को ये टू एक्स माइनस एक्स ऐसे लिख सकते हैं, टू इक्वल टू ज़ीरो, इसको आप सॉल्व कर सकते हो, क्वाड्रेटिक है ठीक है ना, क्वाड्रेटिक को सॉल्व करना आता ही आपको, एक्स कॉमन ले लो तो एक्स प्लस टू यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर माइनस वन कॉमन ले लो तो एक्स प्लस टू आपका हो जाएगा इक्वल टू ज़ीरो, यहाँ से एक्स माइनस वन और एक्स प्लस टू हो जाएगा, यहाँ से एक्स इक्वल टू वन आ गया और एक्स इक्वल टू माइनस टू आ गया, एक्स का दो वैल्यू आएगा वन और माइनस टू। वाई का निकालना है तो देखो इसमें पुट करेंगे, तो देखो जब इसमें वन पुट करेंगे वन का स्क्वायर तो वन हो जाएगा, और जब हम यहाँ पे माइनस टू पुट करेंगे इसमें तो माइनस टू का स्क्वायर क्या हो जाएगा, फोर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ से हमें दो पॉइंट्स मिलेंगे, पहला पॉइंट्स मिलेगा कि अगर वन पुट करें तो हमें वन मिल रहा है, यानी वन कोमा वन एक पॉइंट, जब माइनस टू पुट कर रहा हूँ मैं तो फोर मिल रहा है, यानी ये जो आपका लाइन है और ये जो आपका कर्व है ये एक दूसरे को ये पॉइंट पे कट कर रहा है, दो पॉइंट है वन कोमा वन एक आपका माइनस टू कोमा फोर पे कट कर। फ्रेंड्स कटिंग पॉइंट निकालने के बाद हम स्केचिंग करेंगे, और स्केचिंग करने के लिए हमें एरिया डिफाइन करना होगा। देखो हमने यहाँ पे कर लिया वन टू थ्री फोर, उसमें मैक्सिमम फोर है ना, देखो इसमें मैक्सिमम फोर है तो फोर तक हम ले लेंगे, ऊपर भी फोर तक ले लेंगे, तो यहाँ पे देखो एक दो तीन चार यहाँ तक तो जाएगा। देखो फ्रेंड्स ये गैपिंग आप ज़्यादा लो जिससे आपका जो है जो बने आपका कर्व वो आपका अच्छा बने, देखने में बड़ा बड़ा लगे तो अच्छा देखने में लगे, इसे आप समझ पाओ कि आपको कहाँ का एरिया निकालना है। और यहाँ पे ले लेते हैं 10 पॉइंट 10 पॉइंट, तीन का गैपिंग ले रहा हूँ मैं इसमें, तो ये हो गया, दिस इज़ द माइनस वन दिस इज़ द माइनस टू। तो फ्रेंड्स स्केचिंग करने से पहले हमें जो है कटिंग पॉइंट को मार्क करना होगा, तो देखो ये लाइन है और ये लाइन एक पुलों की लाइन कैसे है, तो फ्रेंड्स ये लाइन है ओके, आपको पता है लाइन का इक्वेशन होता है वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होता है ना, अगर इसमें आप वाई को आप ऐसे कर लो सेपरेट और बाकी जो बचेगा दूसरे साइड भेजो उसको, तो देखो क्या हो जाएगा, ये माइनस एक्स हो जाएगा और ये प्लस टू हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका जो एम है एम यहाँ पे माइनस वन का काम करेगा और सी की जगह यहाँ पे टू काम कर रहा है, तो ये लाइन का इक्वेशन है। तो जो आपका लाइन है दो पॉइंट पे कट कर रहा है, तो लाइन को ड्रॉ करने के लिए दो पॉइंट काफ़ी होते हैं, तो इनको हम लेते हैं और ड्रॉ करते हैं। और आपको ये भी ध्यान रखने हैं कि ये पैराबोला है और ये लाइन है और दोनों एक दूसरे को इस पॉइंट पे भी कट कर रहा है, तो इस पॉइंट को भी आपको मार्क करने हैं। तो देखो फ्रेंड्स जो आपका लाइन है आपका इस पॉइंट को ये टू कोमा ज़ीरो और ज़ीरो कोमा टू को कट करेगा ओके, और वन कोमा वन भी हमने यहाँ पे मार्क कर लिया, दिस दिस इज़ वन और दिस इज़ द वन, तो ये हो गया वन कोमा वन ये पॉइंट हो गया ओके। तो यहाँ पे देखो माइनस टू कोमा फोर भी है, यहाँ पे भी कट कर रहा है ना, दोनों एक दूसरे को कट कर रहे हैं यहाँ पे माइनस टू कोमा फोर पे, तो ये भी मैंने यहाँ पे मार्क कर रखा है। तो जब हम इस लाइन को बनाएंगे तो ये लाइन कहाँ कहाँ से गुजरेगा, यहाँ से गुजरेगा यहाँ से गुजरेगा, यहाँ पे इसलिए गुजरेगा क्योंकि यहाँ पे पैराबोला और लाइन दोनों कट करेंगे, इसलिए यहाँ से गुजरेगा, और यहाँ पे भी इसलिए गुजरेगा क्योंकि पैराबोला लाइन दोनों कट करेंगे, हमने निकाला है जैसा कि, तो हम इनको मिला लेते हैं आपस में, अच्छे से बनाओगे तो आपका ढंग का डायग्राम बनेगा ठीक है। तो ये देखो ये मैंने मिलाया और ये आगे तक ले जाऊंगा यहाँ तक, ये हो गया, ये लाइन आपका बन गया। अब हम पैराबोला बना लेंगे, तो देखो ये पैराबोला का इक्वेशन है वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो ये कुछ इसके जैसा है, ऐसा होता है ना फ्रेंड्स, एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई फोर ए वाई ऐसे होता है, तो जब ऐसे होता है तो ये वाई के अबाउट में सिमेट्री होता है क्योंकि एक्स का इवन पावर है, तो ये वाई के अबाउट ऐसे सिमेट्री होगा, ऐसे बनेगा, तो इसका भी ऐसे ही बनेगा, बस आपको याद रखना है कि इस पॉइंट पे कट करेगा।
तो देखो इस पॉइंट पे ये जो ये पॉइंट है आपका, और ये आपका ये पॉइंट है, देख करो ये, तो यहाँ पे आपका कट करेगा पैराबोला। तो पासिंग थ्रू ओरिजिन है, 0,0 से भी पास हो रहा है, हमने निकाला था उसमें। तो यहाँ से फ्रेंड्स आपका ये जाएगा कुछ, पहले इधर ही बना लेते हैं। देखो ये इधर से गया, यहाँ से इस पॉइंट से क्रॉस किया 1,1 से, ऐसे बन जाएगा। और यहाँ से भी क्रॉस करवाना है इस साइड, देखो कुछ इस तरह से बन जाएगा। तो देखो ये लाइन है आपका, एक पैराबोला है, तो इसके बीच आपका ये एरिया बन रहा है, यही हमें फाइंड करना है। तो अगर आपको एरिया निकालना है अब, तो आपको स्टेप लेना पड़ेगा। तो जैसे लो, आप ऐसे लो या ऐसे, आपके ऊपर डिपेंड है। हम जो है ले रहे हैं ऐसे, ओके, हम पैरेलल टू वाई एक्सिस स्टेप ले रहे हैं। दोनों तरीके से आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों में आपका सेम ही आंसर आएगा। ऐसे कोशिश करना पैरेलल टू वाई एक्सिस ही लेना, इसे इजीली सॉल्व हो जाता है मैक्सिमम केस में, मैंने देखा है। ले सकते हो, कोई भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हो सके तो वाई ही लेना। अगर मैंने यहाँ पे फ्रेंड्स लिया होता ना पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो यहाँ पे दो रीजन लेने पड़ते हैं मुझे। यहाँ पे देखो, यहाँ से जो देखो, यहाँ से यहाँ पे दूसरा टाइप का बन जाएगा रीजन, और ऊपर जाप का दूसरा रीजन बन जाएगा। जो यहाँ से देखोगे, यहाँ से ऊपर जो रीजन देखोगे इन लाइन, और ये पैराबोला से रीजन बन रहा है, लेकिन इधर देखोगे पैराबोला पैराबोला से रीजन बन रहा है। तो दो रीजन लेने पड़ेंगे, यानी दो बार आपको डबल इंटीग्रल का यूज़ करके दो बार इसे इंटीग्रेट करना होगा। तो इसलिए मैंने लिया, ईजी होता है ये थोड़ा सा, वाई के पैराबोला मैक्सिमम केस में ईजी होता है इंटीग्रेट करना। आप कुछ नहीं करना, सिंपली ये पॉइंट लो और दिस पॉइंट लो, ठीक है। यहाँ पे आपका टच करा ये स्टेप है ना, अब सिंपली फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। पैरेलल टू वाई एक्सिस लेते हैं, पता ही है हमें कौन सा फॉर्मूला यूज़ करते हैं। पैरेलल टू वाई एक्सिस लेते हैं, यानी वर्टिकल स्ट्रिप लेते हैं, तो इस फॉर्मूले का यूज़ करते हैं। यानी पहले वाई का लिमिट लिखते हैं, उसके बाद एक्स का लिमिट लिखते हैं। तो पहले हम वाई की लिमिट लिखेंगे, तो इसके लिए हम देखेंगे स्ट्रिप जो है यहाँ पर टच कर रहा है, और एक यहाँ पर टच कर रहा है। यहाँ पर वाई का वैल्यू क्या है, यहाँ पर वाई का वैल्यू क्या है, ये तो पैराबोला पर टच कर रहा है ना फ्रेंड्स। जैसे पैराबोला का इक्वेशन क्या है, वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो दिस इज द वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर। और यहाँ पे ये लाइन क्या है, तो ये क्या है फ्रेंड्स, यहाँ पे एक्स प्लस वाई माइनस टू है, तो इसमें से वाई सेपरेट कर लेंगे। एक्स प्लस वाई माइनस टू इक्वल टू जीरो है ना, वाई सेपरेट करो तो टू इधर जाएगा प्लस में, इधर जाएगा एक्स, तो टू माइनस एक्स हो जाएगा। तो यहाँ से हमें वाई का लिमिट क्या मिलेगा, यहाँ से लोअर में मिल जाएगा एक्स स्क्वायर, अपर मिलेगा टू माइनस एक्स है ना। अब क्या बचा, अब x का लिमिट बचा, तो इस स्टेप को रोल करवाना शुरू करो। तो ये रोल करते हुए कहाँ जाएगा, यहाँ तक तो जा सकता है मैक्सिमम, ठीक है, यहाँ तक तो जा सकता है, इससे बाहर नहीं जा सकता, ये ब्लॉकिंग पॉइंट है इसका है ना, क्योंकि हमें इसी एरिया को निकालना है, तो इसी एरिया के अंदर रहेगा ना वो पॉइंट्स। तो ये जाएगा रोल करते हुए यहाँ तक तो जाएगा। यहाँ पर एक्स का वैल्यू क्या है, यहाँ पर एक्स का वैल्यू माइनस टू है, दिस वैल्यू इज माइनस टू, ओके, नीचे जाएगा। अब इस जगह रोल करता हुआ जाएगा 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 यहाँ तक, यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे एक्स का वैल्यू क्या है, वन है, बाकी कहानी लिख दो, डी एक्स डी वाई हो गया। तो देखो पहले वाई का लिमिट है, तो वाई के रेस्पेक्ट में पहले होगा, तो एक्स को इधर भेजो, माइनस टू वन डी एक्स एक्स स्क्वायर टू माइनस एक्स डी वाई, इंटीग्रेट करो। डी वाई का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस टू कोमा वन हो जाएगा, ये डीवाई का इंटीग्रेशन होगा आपका वाई एक्स स्क्वायर टू माइनस एक्स, और यहाँ पे आपका ये डी एक्स हो जाएगा। मेरे पुट करो, तो अपर लिमिट जब पुट करोगे आप माइनस टू से वन, तो देखो टू माइनस एक्स हो जाएगा, और वाई की जगह एक बार एक्स स्क्वायर डी एक्स हो जाएगा। इंटीग्रेट करो इसको, चलो यहीं पे कर लेते हैं। तो देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे इंटीग्रेट करोगे तो टू तो कॉन्स्टेंट है आपका, टू कॉन्स्टेंट है, और यहाँ पे डी से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो डी का इंटीग्रेशन एक्स हो जाएगा, और एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई टू, और माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स के पावर थ्री बाई थ्री थ्री, ठीक है, माइनस टू से लेके वन है। लिमिट पुट करो, जब वन पुट करोगे तो टू हो जाएगा, ये टू, ये हो जाएगा वन बाई टू, और यहाँ पे हो जाएगा वन बाई थ्री है ना। माइनस टू पुट करो तो लोअर लिमिट माइनस टू, तो देखो दो दूनी के चार, माइनस फोर हो जाएगा,
यहाँ पे हो जाएगा 2 2 के 4, और 2 नीचे है, 2 2 कट गया, 2 2 कट गया, है ना, तो यहाँ पे -2 हो जाएगा। ओके, और फिर यहाँ पे माइनस, ये देखो यहाँ पे -2 पुट करो तो देखो प्लस हो जाएगा, क्योंकि -2 पुट करोगे तो -2 के पावर 3 8 हो जाएगा, -8 होगा तो 8/3 यहाँ पे आ जाएगा प्लस में। इनको फ्रेंड्स आप सॉल्व करो तो देखो यहाँ पे 4 2 6 हो जाएगा, और ये माइनस में होगा, लेकिन ये जो माइनस अंदर जाएगा इनके साथ तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये +6 हो जाएगा, तो 6 और 2 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, है ना। बाकी जो बच गया उसको लिखो, जैसे -1/2, -1/3, और ये माइनस अंदर जाएगा तो इसको भी माइनस कर डालेगा, ये प्लस है। तो एलसीएम ले लो, 3 2 के 6 एलसीएम, है ना, तो 8 6 के कहते हैं, 8 6 48 होता है, 2 3 6 3 हो जाएगा, 3 2 के 6, और 3 2 के 6 यानी 16, क्या हो रहा है यहाँ पे देखो, 3 2 5, 3 2 5 हो रहा है, और 5 और 16 21, और 48 में से 21 गया, क्या बचेगा बताओ, 27 बचेगा, और नीचे 6 हो गया, 1 8 2 2 3 6, 9 3 27, 9/2, इसका भी 9/2 आंसर आएगा। बुक में देखोगे तो आंसर आपका कुछ और दिया है जो कि गलत है, आपका सही आंसर यही होगा, राइट आंसर, तो 9/2 करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, थर्ड नंबर, बाई डबल इंटीग्रेशन फाइंड द होल एरिया ऑफ द कर्व, एक कर्व आपका दिया है, इसका आपको पूरा एरिया निकालना है डबल इंटीग्रेशन का ये यूज़ करते हुए। तो देखो ये दिया हुआ है, ट्रेस करके डायग्राम बना लो, ट्रेसिंग, तो ट्रेसिंग जानते हो तो ट्रेसिंग करके डायग्राम बना लो, नहीं जानते हो तो भैया देखो थोड़ा सा मैं बता देता हूँ यहाँ पे, जो चीज़ ज़रूरत है उस वही बता रहा हूँ, सब नहीं बताऊँगा, पूरा ट्रेसिंग नहीं बताने वाला मैं। तो पहले हम सिमेट्री चेक करते हैं, तो देखो सिमेट्री हम देखेंगे तो इवन पावर देखते हैं, तो देखो यहाँ पे एक्स का इवन पावर है, इसको आप जो है सिंप्लीफाई कर लो पहले, देखो इसमें मल्टीप्लाई कर लोगे तो ये कुछ 2a y के पावर 3 और ये y के पावर 4 हो जाएगा, है ना, ये हो जाएगा, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, इक्वल टू 0, मतलब इसको इससे मल्टीप्लाई किया और इक्वल के इसे लिया, तो यहाँ पे देखो और एक्स का इवन पावर है, तो यहाँ पे देखिए तो ये आपका जो है वाई के अबाउट में सिमेट्री होगा, सिमेट्री। दूसरा हम चेक करते हैं कि ओरिजिन से पास कर रहा है कि नहीं, तो x 0 पुट करो y 0 पुट करो, अगर LHS RHS की इक्वल आ जाए, देखो यहाँ पे 0 पुट करो 0 पुट करो, तो ये 0 हो जाएगा, इधर भी 0 हो जाएगा, तो इसका मतलब ये ओरिजिन से पास कर रहा है, पास ओरिजिन पास, ऐसे शॉर्ट में लिख रहा हूँ। और टेंजेंट, टेंजेंट देखो उसमें बोला नहीं है कि आपको ट्रेसिंग करना, उसको एरिया से मतलब है, एरिया दो, ट्रेसिंग आप डायग्राम बनाओ, डायग्राम आपके ऊपर है कैसे बना दो, डायरेक्ट डायग्राम बना दो, अगर आपको ट्रेसिंग नहीं करना डायरेक्ट डायग्राम बना सकते हो तो बना दो। अब मैं टेंजेंट देखूँ तो टेंजेंट के लिए लॉजिस्टिक टर्म को इक्वल टू 0 पुट करते हैं, तो देखो ये लॉजिस्टिक टर्म है, देखो यहाँ पावर 2 है और यहाँ पे ये पावर 3 है, तो ध्यान से हम देखें यहाँ पे तो सिर्फ यही लॉजिस्टिक टर्म मिल जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे स्क्वायर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 हो जाएगा, ये लॉजिस्टिक टर्म, तो यहाँ पे एक्स का मान जो आएगा 0.0 आएगा। ओके, तो 0.0 आ रहा है यहाँ पे एक्स का वैल्यू, यानी एक्स का दो वैल्यू आ रहा है, सेम आ रहा है ना, यानी ओरिजिन से बाकी दो ब्रांच निकलेंगे कर्व के, है ना, और दोनों का टेंजेंट सेम होगा, तो ये मिल गया हमें हमारा सी पॉइंट एसिम्प्टोट्स। तो देखो इसका कोई एसिम्प्टोट्स नहीं निकलेगा, नो एसिम्प्टोट्स निकाल लेना, एसिम्प्टोट्स कुछ नहीं होता। डी पॉइंट देखते हैं, डी पॉइंट्स पे देखते हैं कि एक्सिस पे कहीं कट तो नहीं कर रहा, तो उसके लिए एक्स को 0 पुट करते हैं, तो जब इसमें आप एक्स 0 पुट करोगे, इसमें चाहे इसमें, जब इसमें आप एक्स 0 पुट करोगे तो वाई आपको मिलेगा, ये वाला y के पावर 3, 2a - y इक्वल टू 0, तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, तो y इक्वल टू 0 मिलेगा एक, और एक y इक्वल टू 2a मिलेगा, तो जब एक्स 0 हो रहा है तो y 0 हो रहा है और 2a हो रहा है, यानी 0.0 और 0.2a। अब फ्रेंड्स हम वाई को 0 पुट करके देखते हैं, जब इसमें हम वाई को 0 पुट करेंगे तो एक्स भी हमारा 0 आ जाएगा, तो आपका जो कर्व है वो आपका दो पॉइंट पे कट कर रहा है, 1.0.0 पे, 1.0.2 2a पे। ओके, ये पता लग गया। अब हम देखते हैं कि कहाँ तक एग्जिस्ट कर रहा है ये कर्व, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक्स को सेपरेट करेंगे, ए स्क्वायर भी इधर भेजो, तो देखो x² = e.x² = हो जाएगा y³ / a² और इधर 2a - y, तो इधर जो है स्क्वायर को इधर भेजो तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे 3/2 पावर
यहाँ पे ए आ जाएगा प्लस माइनस में ए आपका, और ये स्क्वायर रूट के अंदर 2a - y। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम जो y का मान है वो ग्रेटर देन 2a हम नहीं ले सकते। अगर हम ग्रेटर देन 2a लेंगे, 2 से ज़्यादा लेंगे, वेन y ग्रेटर देन 2a, अगर 2 से सॉरी 2a से ज़्यादा अगर y का मान लेंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा। नेगेटिव होगा तो ये पूरा मान इमेजिनरी हो जाएगा। तो x का मान यहाँ पे देन x इज इमेजिनरी, ठीक है, x आपका इमेजिनरी हो जाएगा। ओके तो इसलिए हम जो है 2a से ज़्यादा नहीं ले सकते। तो आपका कर्व जो है y इक्वल टू 2a के अंदर ही लाई करेगा, कहने का मतलब ये है। तो यहाँ पे हम अगर ड्रॉ करें, देखो हम यहाँ पर ड्रॉ कर रहे हैं। ओके यहाँ से इन्हें डिफाइन कर लेते हैं। दिस इज तो वो यहाँ पे हो गया। चलो यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा डिस्टेंस ले लेते हैं, 10 10, ठीक है, ये हो गया। और यहाँ पे भी ले लेते हैं 10 10 10 10, ठीक है, ये हो गया। अब आपका देख सकते हो यहाँ पे दिया हुआ वाई के अबाउट सिमेट्री होगा, मतलब जितना इधर बनेगा उतना इधर भी बनेगा, और ऐसे टूटता है नहीं। कट कहाँ पे कट रहा, 0,0 और 0,2a पे। तो ये 2a ले लेते हैं, 10.2a, ये 2a हो जाएगा, ये -2a हो जाएगा, इधर ले लो -2a कोई। तो यहाँ पे आपका कट कर रहा है कर्व, एक यहाँ पे कट कर रहा है, और ये भी हमने देखा कि 2a से ऊपर नहीं जा रहा, मतलब इधर नहीं कर्व लाई करेगा आपका। तो देखो इधर आपका ऐसे बनेगा, मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे 0,0 आ रहा है, यानी दो ब्रांच निकलने वाले हैं ओरिजिन से। तो एक तो निकल गया, दूसरा यहाँ से निकलेगा ऐसे। इस सिमेट्री होने के कारण आपका ऐसा बनेगा, इधर भी जितना इधर बना इतना इधर भी बनेगा, है ना। बस बन गया, यही है आपका, ठीक है। अब हम स्ट्रिप लेंगे। तो कैसे स्ट्रिप लोगे आप सोचो। हम तो यही लेंगे भाई, पैरेलल टू, इस बार लेने वाले हैं पैरेलल टू एक्स एक्सिस ऐसे। तो स्ट्रिप आपका यहाँ पे कट कर रहा है और यहाँ पे, ठीक है, कट तो नहीं कर रहा लेकिन टच जरूर कर रहा। तो यहाँ पे आपका टच कर रहा है। तो देखो पैरेलल टू आपने एक्स एक्सिस लिया है, तो जब पैरेलल टू एक्स एक्सिस आप लेते हो तो देखो ध्यान से फॉर्मूला में। देखो फ्रेंड्स फॉर्मूला में देखो, आप जब पैरेलल टू एक्स एक्सिस लेते हो, मतलब हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लेते हो, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप, तो आपको इस फॉर्मूले को यूज़ करना होता है। यानी पहले आपको फाइंड करने हैं कि इसकी लिमिट एक्स के लिमिट लेने हैं पहले, तब वाई की लिमिट लेने हैं। तो देखो फ्रेंड्स यहाँ पे सॉल्यूशन पे जाएंगे। देखो यहाँ पे देखो फ्रेंड्स, पहले किसका लिमिट लेना है हमें, पहले हमें लेने हैं एक्स का लिमिट, ठीक है। तो स्टीप आपका यहाँ पे टच कर रहा और यहाँ पे टच कर रहा, और दोनों जगह कर्व पे ही टच कर रहा। तो यहाँ पे एक्स का वैल्यू क्या है और यहाँ पे एक्स का वैल्यू क्या है। तो देखो यहाँ पे देखो निकला है मैंने एक्स का वैल्यू, यहाँ पे एक्स को सेपरेट किया, इसमें से एक्स को आपको सेपरेट कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने सेपरेट कर रखा है एक्स को, तो एक्स का जो वैल्यू है प्लस आ रहा है, एक बार माइनस में आ रहा है, तो प्लस वाला इस साइड के लिए और माइनस वाला इस साइड के लिए। तो जो आपका इधर आ रहा है एक्स इक्वल टू आपका वाई के पावर 3/2 / a, और 2a - y है, और इधर जो है आपका माइनस है, एक्स इक्वल टू -y/3/2 a 2a - y है ना। तो दोनों जगह देख सकते हो यहाँ पे, और यहाँ पे कर्व पे ही टच कर रहा, तो लिमिट हमारा क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल टू माइनस लेके 10 प्लस, तो ये हो जाएगा -y/3/2 a 2a - y, और ये आपका ये हो जाएगा प्लस वाला, यानी हाँ y/3/2 / a 2a - y। अब यहाँ पे हम जो लेंगे लिमिट वो y का लिमिट लेंगे। तो y का लिमिट लेने के लिए इसको हम रोल करवाना शुरू करेंगे। तो ये नीचे कहाँ तक जा सकता है, यहाँ तक जा सकता है, यानी ओरिजिन तक जा सकता है। तो यहाँ पे वैल्यू क्या होगा फ्रेंड्स, यहाँ पे y का वैल्यू क्या होगा, यहाँ पर वैल्यू है y का वैल्यू क्या है, 0 है। तो 0 पुट करो और ऊपर तक रोल करता हुआ जाएगा, यहाँ तक जाएगा, तो यहाँ पे y का वैल्यू क्या है, 2a है, तो 2a पुट करो और बाकी कहानी लिख दो dx/dy। अब देखो फ्रेंड्स यहाँ पे इसको इंटीग्रेट करते हैं। इंटीग्रेट करने से पहले हम यहाँ पे डेफिनेट इंटीग्रल का प्रॉपर्टी यूज़ कर लेते हैं। जैसे ये दो बार जो लिखा गया ये एक बार लिखा जाए, तो यहाँ पे देखो ये प्रॉपर्टी नंबर 5 देखोगे तो यहाँ पे देखो, अगर -a to a अगर दिया हुआ है ना, और जो आपका फंक्शन है अंदर दिया हुआ जो वो इवन फंक्शन है, तो आपको आपको
ऐसे मिल सकता है लिखने को, मतलब ऐसे लिख सकते हो, 2 टाइम्स ऑफ 0 से लेके ए लिख सकते हो, है ना। तो यहाँ पे देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखो कोई फंक्शन ही नहीं है, तो कोई फंक्शन नहीं है, कांस्टेंट है सिर्फ 1। तो जब ये कोई नंबर यहाँ पे दिया हुआ है तो हम कैसे चेक करेंगे कि इवन फंक्शन है या आउट फंक्शन है। तो फ्रेंड्स ये कांस्टेंट है तो हम चेक नहीं कर सकते, तो ये मान के चलते हैं कि ये इवन फंक्शन है, क्योंकि अगर हमने ऑड फंक्शन माना इसको, ठीक है, ऑड फंक्शन माना तो ये 0 हो जाएगा, और 0 तो कभी होगा नहीं, एरिया एरिया तो आपका 0 नहीं होगा, कुछ ना कुछ होगा ना, तो हम इवन के अलावा कुछ मान नहीं सकते, तो यहाँ पे हमें इवन मानना पड़ेगा। तो इसको इवन फंक्शन मान लो, कुछ नहीं दिया है तो ठीक है, भले यहाँ पे 1 दिया है, तो आपको मानना है इवन फंक्शन। तो जब आप इसको इवन फंक्शन मानोगे तो 0 से लेकर 2 ये हो जाएगा, और ये 2 टाइम्स ऑफ 0 से लेके 10 हो जाएगा, y³/2 ए और 2a - y dx/dy। ये जो 2 है इसके साथ होगा, लेकिन कांस्टेंट है इसलिए मैंने बाहर कर दिया। अब सिंपल कुछ नहीं करना फ्रेंड्स, अब तो इंटीग्रेट करना है। अब देखो ये क्या है, x का लिमिट है, यानी पहले x के रिस्पेक्ट में होगा, तो dy हमारे काम का नहीं है अभी, और ये हमारा काम का है 0 से लेके y³/2 / a 2a - y, और यहाँ पे हमारा हो जाएगा dx। dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, 0 से लेके 2a हो जाएगा ये, और ये dy। dx का इंटीग्रेशन x होता है, लिमिट 0 से लेके y³/3/2a और 2a - y, पुट करो अपर और लोअर। तो देखो 0 से लेकर 2a, यहाँ पे देखो जब अपर पुट करोगे आप, है ना, अपर पुट करोगे तो आपको मिलेगा y³/3/2a 2a - y, और 0 पुट करोगे तो कोई वैल्यू ही नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है, 0 हो जाएगा, और ये आपका ये dy। इसको आपको अगर इंटीग्रेट करने हैं तो पहले ये कांस्टेंट है इसको बाहर करो, तो 2a हो जाएगा, 0 से लेकर 2a हो जाएगा, y³/3/2 2a - y dy। तो इसको इंटीग्रेट करना है तो आपको यहाँ पे y को लेना पड़ेगा 2a sin²θ, डिफ्रेंशिएट को थीटा के रेस्पेक्ट में, तो dy 4a sin θ cos θ। ये तो सिंपल इंटीग्रेशन ही तो कर सकते हो आप भी, है ना। अब लिमिट भी चेंज होगा, तो यहाँ से थीटा को सेपरेट करेंगे हम, तो इधर जाएगा तो y/2a हो जाएगा, y/2a, और स्क्वायर इधर जाएगा तो ए स्क्वायर रूट में हो जाएगा, यानी घूम फिर के आपका ऐसे आएगा sin 1 स्क्वायर रूट में y/2a आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो y का वैल्यू जब 0 होगा लोअर, तो थीटा का वैल्यू क्या होगा, 0 पुट करो इसमें, तो ये sin 1 0 हो जाएगा जो कि 0 होगा, और y का वैल्यू जब 2a होगा, 2a पुट करो तो 2a 2a खत्म हो जाएगा, 1 हो जाएगा, sin 1 क्या होता है, π/2, तो थीटा का मान π/2। तो यहाँ से आपका 2a 0 से लेकर π/2 लिमिट हो गया। ये वाई की जगह पे ये पुट करो जहाँ जहाँ वाई दिख रहा है, तो 2a sin²θ, ठीक है, और 3/2 पावर हो जाएगा, अंदर देखो 2a - y की जगह ये वाला 2a sin²θ, और यहाँ पे dy की जगह ये वाला तो 4a sin θ cos θ d θ हो गया ये। अब देखो जो कांस्टेंट है उसको बाहर भेजो, 2a पहले से है इनटू, अभी देखो 4a है ना, इसको यहाँ पे लिखो, सब पहले कांस्टेंट को बाहर भेजो, उसके बाद देखो यहाँ पे देखो 2a³/2 2a³/2 यहाँ से निकल जाएगा, और यहाँ पे देखो जब इसमें से 2a कॉमन करोगे, जब बाहर निकालोगे तो 2a⁻¹² आपका यहाँ पे हो जाएगा। ओके, ये अब कांस्टेंट नहीं मिलेगा आपको, 0 से लेकर π/2 हो गया। अब देखो यहाँ पे sin²θ है ना, 2 से 2 खत्म हो जाएगा, sin³³ हो जाएगा, 1 - sin²θ क्या होता है, cos²θ, cos²θ जब बाहर निकलेगा तो cos θ निकल के आएगा, 1 cos θ और 1 cos θ cos²θ हो जाएगा, और यहाँ पे sin θ एक पहले से पड़ा हुआ है, और sin³³ यहाँ पे है, तो टोटल हो जाएगा sin³³θ, और यहाँ पे cos²θ हो जाएगा, dθ हो जाएगा। देखो यहाँ से ए से खत्म होगा, 4 × 2 = 8 हो जाएगा, और इनको देखो 3/2 पावर है, 1/2 पावर है, दोनों को जोड़ दो पावर को, 3/2 1/2 पावर को जोड़ोगे यानी 1.5 है, ये आधा है, तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो सिंपली 2 हो जाएगा, तो 2a² हो जाएगा, 2a² हो जाएगा, मतलब 2 दुनी 2a² क्या होता है, 2 × 4 और 1 स्क्वायर, तो सिंपल हमें क्या मिलेगा, 8 × 4a², और अंदर क्या मिलेगा, 0 से लेकर π/2 sin²³θ cos²θ dθ। अब यहाँ पे हम रिडक्शन फार्मूला अप्लाई करेंगे, हमें पता ही रिडक्शन फार्मूला है ना,
तो देखो फ्रेंड्स, ये 8 × 4a² क्वाड्रेटिक रखो, कटने वाला अभी ध्यान से देखो। रिडक्शन फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो पहले इसका करते हैं, तो 4 में से 1 जगह 3, फिर 3 जगह तो 1, 2 में से 1 जगह 1, 4 2 6, 6 4 2, 2 का डिफरेंस। इवन पावर है तो पाई बाई 2 से मल्टीप्लाई है ना। रिडक्शन फार्मूला आपको कंप्लीट आना चाहिए, याद रखना, वो आपको आना ही चाहिए, वो बहुत यूज होता है फ्रेंड्स। अब देखो जो चीज़ें कट सकती है काटो, से देखो ये देखो 4 2 के 8, 8 कट गया, और क्या कट सकता है यहाँ पे, 3 2 के 6, 2 2 के 4, 2 2, तो पूरा कटने के बाद क्या मिला आपको, पाई ए स्क्वायर, ए आंसर फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ नंबर, फाइंड बाई डबल इंटीग्रेशन द एरिया इनक्लोज बाई द कर्व है, ये कर्व और एक कर्व के बीच जो एरिया बन रहा है उसको हमें फाइंड करना है। तो देखो आपको ए दिया हुआ है कर्व, दो कर्व है आपके, दस दस ये और ये, ओके ये दो कर्व है। तो पहले हम चेक कर लेंगे एक्सिस को कहीं कट तो नहीं कर रहा है, इसको चेक करते हैं कहाँ पे एक्सिस को कट कर रहा है। तो यहाँ पे हम x0 पुट कर रहे हैं, तो जब x0 पुट करूँगा तो ऊपर 0 हो जाएगा, और जब ऊपर 0 होता है तो बाकी सब 0 ही होता है, तो y0 हो जाएगा। और y जब मैं 0 पुट करूँगा, तो जब y0 पुट करूँगा तो ये 0 हो जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगा 0 हो जाएगा, और 3 को इधर भेजूँगा 0 हो जाएगा, मतलब x भी 0 होगा। तो 0,0 पर ही सिर्फ क्रॉस कर रहा है, इसको चेक करते हैं। तो अगर मैं x यहाँ पे 0 पुट करूँ तो y भी 0 आएगा, और y 0 पुट करूँ तो x भी 0 ही आएगा, तो ये भी 0,0 पे ही सिर्फ कट कर रहा है। अब फ्रेंड्स हम चेक करेंगे कि एक दूसरे को तो कहीं पे कट नहीं कर रहे हैं, तो इसके लिए हम देखते हैं कि x के किस वैल्यू पे जो है y का वैल्यू दोनों में सेम आ रहा है। देखो अगर आप दोनों को साथ मिलकर सॉल्व करोगे तो एक आपको क्यूबिक मिलेगा, उस क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो टाइम लग सकता है आपको, ऐसा हो सकता है कि निकालने में आपको बहुत सारी समस्याएं आएँ। तो क्या करो, ऐसे ही अपने मन से कोई नंबर लेते जाओ, जैसे 1 लो 2 लो 3 लो, है ना, इसे 1 से स्टार्ट करो। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, अपने मन से मैंने पहले से ही सोच रखा, ठीक है, x=2, तो जब x=2 मैं 2 पुट करूँगा दोनों में, तो देखो वाई का वैल्यू सेम आएगा। देखो इसमें, देखो इसमें मैं दिखाता हूँ आपको, जब इसमें 2 पुट करूँगा 3 2 6 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 2 के 4 हो जाएगा, तो नीचे 6 ऊपर 6, 6 6 कट गया तो 1 आ जाएगा, तो वाई का वैल्यू 1 आएगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो वाई का वैल्यू, यहाँ पे मैं 2 पुट करूँगा 2 2 के 4 हो जाएगा, 4 4 कट जाएगा, वाई का वैल्यू 1 आ जाएगा। तो दोनों में वाई का वैल्यू सेम आ रहा है x=2 पे, है ना, यानी पता ये चला कि 2,1 पे ये एक दूसरे को कट कर रहा है। तो यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो, वेन वी पुट x=2 देन वी गेट y=1 इन बोथ, दोनों में y=1 मिल रहा है। तो इससे हमें पता चला 2,1 पे दूसरे एक दूसरे को कट कर रहा है। अब इसको प्लॉट करना थोड़ा मुश्किल है ना, इसको इसको ट्रेस करना थोड़ा मुश्किल है, तो एक काम करो भाई, तो मुश्किल है तो सिंपली हम पॉइंट्स ही ले सकते हैं, पॉइंट्स लेके ही हम इसको बना सकते हैं, और कोई तरीका तो है नहीं, है ना। ट्रेसिंग करने जाएंगे तो बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा हमें। तो देखो फ्रेंड्स, 3 4 पॉइंट ले लेते हैं, देखो यहाँ पे एक्स ले लो, यहाँ पे एक्स ले लो यहाँ पे, और यहाँ पे वाई ले लो। तो इसमें जब एक्स का वैल्यू आपको 1 पुट करोगे, इसमें एक्स का वैल्यू 1 पुट करोगे तो वाई का वैल्यू आपको 1 मिलेगा। जब एक्स के वैल्यू इसमें आप 2 पुट करोगे, 2 पुट करो जहाँ जहाँ एक्स वहाँ पर 2 पुट करो, तो आपको मिलने वाला है 1। जब इसमें आप एक्स का वैल्यू 3 पुट करोगे तो आपको मिलेगा 9/11, ठीक है। इस तरह से आप 4 फुट करोगे तो 12/18 मिलेगा आपको। अब मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, देखो यहाँ पे 2,1 पे कट कर रहा है, बस इसी से ही लेना है हमें, उतना ही ले लो, जाते मत लेना, 1 ले लो, और दिस पॉइंट इज 2 ले लो, ये 2 हो गया, और ये -1 हो गया, -1, ये -2 हो गया, इस तरह से, दिस इज द 1, दिस इज द 2। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो जब 1 पुट कर रहा है एक्स में, तो वाई का वैल्यू भी 1 मिल रहा है, यानी यहाँ पे आ जाए आपका कर्व, ठीक है, यहाँ पे आपका आएगा। जब मैं एक्स का वैल्यू 2 पुट कर रहा हूँ तो भी वाई का वैल्यू हमें 1 ही मिल रहा है, मतलब इसी लाइन पे रहेगा ये, यहाँ पे, ठीक है। और अगर 3 भी पुट कर रहा हूँ यहाँ पे, तो थोड़ा सा कम, 9/11 क्या है, 1 से कम है ना, 9/11 है फ्रेंड्स, नीचे वाला जाता है, तो ये 1 से कम आएगा, तो थोड़ा सा आएगा, ठीक है,
इस तरह से यहाँ पे आपका आएगा ये तीन पे। तो इस तरह से देखा जाए तो बस रफ डायग्राम बना लो फ्रेंड्स, रफ ऐसे, ये सीधा गया यहाँ तक सीधा जा रहा, यहाँ तक सीधा गया ऐसे, और उसके बाद गिरना शुरू कर देगा ऐसे, लेकिन सटेगा नहीं, कहीं सटेगा नहीं है ठीक है। इसको सटने वाला नहीं, इतना सोचना कि ये सटने वाला, कहीं नहीं सटेगा ठीक है। इसमें इसमें देखो एक जब आप 0 पुट करोगे ना, एक जब 0 इसमें पुट करोगे तो Y0 आ रहा आपका, और जब Y0 पुट करोगे तो X0 आ रहा है, मतलब ओरिजिन के अलावा कहीं कट कर ही नहीं रहा। तो जब कहीं कट कर ही नहीं रहा तो भी जाएगा तो क्या इसको कट करेगा? नहीं कट करेगा, ऑफकोर्स यहाँ पे सिर्फ कट कर रहा। और देखो यहाँ पे देखो, अगर आप यहाँ पे एक्स का मान नेगेटिव लोगे, जैसे यहाँ पे पॉजिटिव लिया 1 2 3 लिया है ना, ऐसे नेगेटिव लोगे ना तो आपका यही वैल्यू आएगा, बस वो माइनस में आएगा ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर है ना पॉजिटिव का डालेगा इन लोगों को। तो जैसे ऊपर बन रहा है ऐसे नीचे बनेगा, लेकिन नेगेटिव में बनेगा, ये कुछ इस तरह से बनेगा फ्रेंड्स ऐसे। ओके अब हम ड्रॉ कर लेते हैं इस पैराबोला को। ये पैराबोला का ये क्वेश्चन है, ये देखो एक्चुअल में ऐसे एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 वाई है ना, ये किसके फॉर्म में है, ऐसे होता है ना फ्रेंड्स, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 ए वाई ऐसे। तो जब ऐसे होता है तो हम कैसे बनाते हैं, देखो इसमें एक्स के पावर 2 है यानी एफ एन पावर है एक्स का, वाई के पावर में सेमेट्री होगा ये है ना, तो कुछ इस तरह से होगा। तो देखो यहाँ पे ड्रॉ होगा कुछ इस तरह से, इस पॉइंट पे कट कर रहा है, देखो यहाँ पे देख सकते हो 2.1 पे एक कट कर रहा है। तो देखो फ्रेंड्स जब हम पैराबोला को बनाएंगे यहाँ पे तो 2.1 को देखेंगे कहाँ पे है, तो 2 दिस इज द 2 दिस इज द 1, तो दिस पॉइंट इज 2.1, तो इस पॉइंट पे पैराबोला कट करेगा इस कर्व को, तो कुछ इस तरह से ही बनेगा और यहाँ पे क्रॉस करता हो जाएगा। अब ये एरिया बना, यही आपको फाइंड करना है। स्ट्रिप ले लो, कैसे स्ट्रिप लेते हो आपके ऊपर डिपेंड है। तो मैं जो स्ट्रिप ऐसे लेता हूँ पैरेलल टू वाई एक्सिस, तो जब स्ट्रिप पैरेलल टू वाई एक्सिस लिया जाता है तो वाई का लिमिट पहले लिया जाता है। फॉर्मूला कौन सा फॉर्मूला मैं आपको मैंने बताया था, तो आपको वाई का लिमिट लेना है यहाँ पे। तो उसके लिए देखना पड़ेगा कि स्ट्रिप जो है कहाँ कहाँ टच कर रहा है, तो यहाँ पर टच कर रहा है और यहाँ पर टच कर रहा है ना। तो ये जो टच कर रहा है यहाँ पे, तो ये पैराबोला को टच कर रहा है, तो यहाँ से वाई सेपरेट कर लो पैराबोला में से, तो यहाँ से वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 4 आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 4, और यहाँ पे भी टच कर रहा, ये किसका है, ये इसका है, ये जो कर्वी टाइप का है इसका है। तो यहाँ से वाई सेपरेट ऑलरेडी है, तो ये वाई इक्वल टू 3x डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2 है ना। तो हमारा लिमिट हो जाएगा यहाँ से एक्स स्क्वायर बाई 4, और हो जाएगा 3x डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2। ओके अब क्या बचा, अब आपका एक्स का लिमिट बचा, तो इसको रोल कराना शुरू करो। तो रोल जब करवाओगे है ना, जब रोल कराओगे तो यहाँ तक जाएगा और यहाँ तक जाएगा फ्रेंड्स, यही एरिया आपका बन रहा है ना, यही एरिया बन रहा है, तो इसी एरिया में रहेगा। दोनों के इंटरसेक्शन से दोनों के बीच जो एरिया बन रहा है आपका यही बन रहा है, तो ये रोल करते करते जाएगा तो मैक्सिमम यहाँ तक जा सकता है और यहाँ पे जा सकता है। तो देखो जब यहाँ पे जाएगा तो यहाँ पे इसको क्या मिलेगा फ्रेंड्स, यहाँ पे वाई का वैल्यू क्या मिलेगा, सॉरी एक्स का वैल्यू क्या मिलेगा, यहाँ पे 0 मिलेगा। और जब यहाँ पे जाएगा तो यहाँ पे एक्स का वैल्यू क्या है, 2 है, देख सकते हो 2.1 है ना, तो यहाँ पे एक्स का वैल्यू 2 है, और बाकी की कहानी लिख दो DxDy। आप तो फ्रेंड्स कुछ करना ही नहीं है, सिंपली अब इंटीग्रेट करो। तो देखो ये वाई का लिमिट है, वाई के एस्पेक्ट में करना पड़ेगा, 0 से लेकर 2, इस डी एक्स को इधर भेजो और एक्स स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा, ये 3x² एक्स स्क्वायर प्लस 2, ये आपका हो जाएगा डी वाई। डी वाई कंडीशन 0 से लेकर 2, डी वाई कंडीशन वाई हो जाएगा, तो यहाँ पे हम वाई लिखेंगे एक्स स्क्वायर बाई 4 अब लोअर लिमिट 3x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2 अपर लिमिट, और डी एक्स हो जाएगा अपर और लोअर पुट करो 0 से लेकर 2, तो 3x डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 4 हो जाएगा नीचे, और डी एक्स हो जाएगा। अब इनको इंटीग्रेट आपको करने हैं, तो इनको आप जो सेपरेट कर दो, एक ही करके इंटीग्रेट करना पड़ेगा आपको। तो मैं क्या कर रहा हूँ, सेपरेट कर रहा हूँ इनको, देखो तो 3 बाहर ये कॉन्स्टेंट है, 0 से लेकर 2 एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 2 हो जाएगा, और ये डी एक्स हो जाएगा माइनस 1/4 कॉन्स्टेंट बाहर,
एस स्क्वायर डी एक्स हो जाएगा, है ना। लिमिट 0 से लेकर 2, इसका इंटीग्रेशन तो आसान है, इसका थोड़ा सा देखो ये कैसे होगा। यहाँ पर टी लेट कर लो एक्स स्क्वायर प्लस 2, और डिफ्रेंशिएट करो एक्स के रिस्पेक्ट में, तो डी टी इक्वल टू एक्स डी एक्स हो जाएगा, है ना। और 2 भी होगा 2xdx, तो 2 इधर भेज दो। ओके, लिमिट भी चेंज होगा, तो देखो जब एक्स 0 है, एक्स 0 होगा तो टी का मान क्या होगा, टी का मान होगा 2। जब एक्स का मान 0 पुट करोगे तो एक्स इक्वल टू जब 2 होगा तो इसमें 2 पुट करोगे तो दोनों के 4, और ये हो जाएगा टी का मान 6 हो जाएगा, 4 तो 6, है ना। तो आपका यहाँ पे लिमिट हो जाएगा 3, 0 से लेकर 2, एक्स डी एक्स की जगह लिख सकता हूँ डी टी बाई 2, तो डी टी ऊपर लिख दिया, है ना, और 2 तो 2 बाहर कर दिया मैंने। ओके, इसके जगह पे मैं लिख सकता हूँ टी -1/4। अब देखो इसका इंडिकेशन क्या हो जाएगा, इसका इंडिकेशन हो गया एक्स पावर 3/3, है ना, 0 से लेकर 2। फ्रेंड्स यहाँ पे लिमिट भी चेंज होगा 2 से लेकर 6, तो ये मैं करना भूल गया, 2 से लेकर 6 हो गया ये। अब जानते हो ये इसका जो क्या होगा इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन लॉग होगा, लॉग में होगा, तो 3/2 लॉग टी हो जाएगा। लिमिट 2 से लेकर 6 -1/4, एक बार 2 पुट करो, एक बार 0, तो 2 पुट करोगे 2 का पावर 3 मतलब 8, तो ये हो जाएगा 8/3। इधर आपका लिमिट पुट करने के बाद देखो क्या आएगा, देखो एक बार 6 पुट करो टी के जगह, एक बार 2 पुट करो, तो ये लॉग 6 माइनस लॉग 2 हो जाएगा, 4 दुनी 2/3। अब यहाँ पे देखो ये लॉग का प्रॉपर्टी के अनुसार यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस है नहीं ये, तो 6/2 हो जाएगा, लॉग 6/2 हो जाएगा, 2 3 6, 3/2 हो जाएगा, -2/3, तो यहाँ पे 3/2 लॉग हो जाएगा आपका 3 और -2/3, तो ये आपका फाइनल आंसर है। अब फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन करते हैं, फिफ्थ नंबर। देखो 4 कार्टेशियन के, 4 पोलर के हैं, तो ये पोलर स्टार्ट हो गए यहाँ से। फाइंड बाय द डबल इंटीग्रेशन एरिया ऑफ द लैमिनेट स्केट का इक्वेशन है, हमें इसका एरिया फाइंड करना है। तो देखो लैमिनेट स्केट कैसा होता है, ये ट्रेसिंग वाले वीडियो में आपको पता लग जाएगा। ट्रेसिंग बहुत इम्पोर्टेंट है आना, इतना समझ लो, बिना ट्रेसिंग का कैलकुलस नहीं आएगा, तो नहीं आएगा। तो जब मैं इसमें थीटा का मान 0 पुट करूँगा, थीटा का मान जब 0 पुट करूँगा तो आर का मान प्लस माइनस ए आएगा, तो आर तो पॉजिटिव ही होता है, तो प्लस माइनस ए कहने का मतलब है कि इधर भी बनेगा, है ना। और जब मैं थीटा का मान यहाँ पे 5/4 पुट करूँगा, तो देखो 5/4 पुट करूँगा इसमें, तो 2 × 5/4 2 खत्म, 5/2, तो कॉस 5/2 0, तो आर का मान 0 हो जाएगा। तो जब थीटा 0, थीटा 0 का मतलब इनिशियल लाइन होता है, तो थीटा 0, तो आर इक्वल टू प्लस माइनस ए, तो आपका आर सपोज करो ए यहाँ पे है ना, तो आर इक्वल टू ए यहाँ पे हो गया, और ये माइनस ए हो गया, तो माइनस तो नहीं लिखा जाता पोलर में, तो ये आपका ये है ना, ये हो गया। ओके ठीक है, तो ये हो गया फ्रेंड्स। और जब थीटा 5/4 है तो आर 0 आ जा रहा, मतलब आपका कर्व यहाँ पे आ जा रहा, यहाँ से होता हुआ यहाँ पे ऐसे आ रहेगा, 0 आ जा रहा। ए पे था जब 0 रखा गया, तो है ना, जब 5/4 रखा गया तो 0 पे आ गया, मतलब घूम फिर के ऐसे आ गया। अब देखो इसमें कॉस थीटा है ना, इसलिए क्या होगा, ये सिमेट्री होगा, एसिमेट्री होगा किसके, तो सिमेट्री अबाउट इनिशियल लाइन, और देख सकते हो इसमें स्क्वायर दिया है आर का स्क्वायर, यानी पोल के अबाउट में सिमेट्री होगा, मतलब पोल के जिधर भी देखोगे उधर आपको सिमेट्री ही दिखाई देगा। तो देखो जितना ऊपर बना उतना नीचे ही बनेगा, है ना, और जितना इधर बना इतना इधर भी बनेगा, क्योंकि आर स्क्वायर है, ये पोल के अबाउट सिमेट्री होता है ना, तो इधर भी बनेगा आपको ऐसे। तो देखो फ्रेंड्स ये थीटा इक्वल टू 0 है, ये लाइन इनिशियल लाइन है, और ये आपका जो है कर्व 0 पे आ गया, आर इक्वल टू 0 पे कर्व जब थीटा इक्वल टू 5/4 होगा, तो दिस इज थीटा इक्वल टू 5/4। तो जितना एरिया इसमें बनेगा उतना इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी सेम बनेगा, तो मैं सिर्फ इसका निकाल रहा हूँ, इसका है ना, और 4 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ जिससे पूरा निकल जाएगा। तो फॉर्मूला के अनुसार मैंने फॉर्मूला में बताया पोलर में आपको कि किसका लिमिट पहले लेना है, आर का। देखो फॉर्मूला में पहले आपको आर का लिमिट लेना है, उसके बाद आपको थीटा का लिमिट लेना है, और ये लिख देना है आर डी थीटा डी आर। और एक और चीज़ फ्रेंड्स, जो आपका आर क्रॉसिंग होना चाहिए वो पोल से जरूर क्रॉस होना चाहिए, मतलब जो लाइन खींचोगे, जो आप जो स्ट्रिप लेने वाले हो, यहाँ पे लाइन ले लो, यहाँ पे कोई ऐसा स्ट्रिप बनाने की जरूरत नहीं है, सिंपली एक लाइन ले लो ऐसे, है ना, तो ये आपका पोल से जरूर क्रॉस होना चाहिए, तो पोल से क्रॉस होता हुआ जाना चाहिए,
ठीक है, फाइनल तक कर्व जहाँ तक आपका फैला हुआ है। तो देखो मैं सिर्फ इसका निकाल रहा हूँ ना, तो इसके बारे में डिस्कशन सिर्फ करूँगा और 4 से मल्टीप्लाई करके इन सबको निकाल लूँगा। ओके तो देखो, तो मैं क्या करूँगा, ये पोल से पास करता हुआ एक लाइन खींचूँगा, तो मैं यहाँ पे ऐसे खींच रहा हूँ फाइनल, ठीक है, इस तरह से यहाँ पे गया, यहाँ पे भी खींच सकते हो, यहाँ पे खींच सकते हो, है ना, ऐसे आप तिरछा खींचो। ओके बस आपका मतलब पोल से क्रॉस होता हुआ जाके आपका कर्व पे टच करना चाहिए। ओके और हमेशा याद रहे पोल से जरूर क्रॉस करना है, पोल से ही शुरू करना है, पोल से ही शुरू करना है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये जो लाइन टच कर रहा है और एक यहाँ पे टच कर रहा है, ठीक है, तो दोनों पॉइंट पे आर का कुछ ना कुछ वैल्यू होगा, है ना, तो यहाँ पे जो आर का वैल्यू है वो 0 है, और यहाँ पे आर का वैल्यू क्या है फ्रेंड्स, यहाँ पे आर का वैल्यू क्या है, यहाँ पे कर्व को टच कर रहा है, कर्व को टच कर रहा है, ये देखो, ये देखो आर को अगर आप सेपरेट करोगे तो यहाँ पे प्लस माइनस, है ना, प्लस माइनस आपका ए कॉस 2 थीटा आएगा ऐसे, ठीक है, तो प्लस वाला ऊपर वाला के लिए और जो माइनस आता है वो नीचे वाला के लिए है, तो आपको प्लस वाला लेना है, क्यों, क्योंकि आप ऊपर वाला ले रहे हो, तो ये जो आपका हो जाएगा आर इक्वल टू ए कॉस 2 थीटा होगा प्लस में, क्यों क्यों होगा, क्योंकि आप ऊपर ले रहे हो प्लस वाला ले रहे हो। तो देखो आप लिमिट कैसे डिफाइन करोगे, पहले आर का लिमिट, तो ये जो लाइन है यहाँ पे टच कर रहा, यहाँ पे टच कर रहा, तो यहाँ पे जब टच कर रहा तो आर का वैल्यू यहाँ पे 0 है, यहाँ पे टच कर रहा तो आर का वैल्यू यहाँ पे क्या है, कर्व पे टच कर रहा ना, तो कर्व में जो आर है उसको सेपरेट करो, तो ये आपका हो गया ए स्क्वायर रूट में कॉस 2 थीटा, ठीक है फ्रेंड्स। अब थीटा देखते हैं कहाँ तक से लेके कहाँ तक वेरी कर रहा, तो देखो इस कर्व के बारे में बात हो रहा है, तो इस कर्व को ड्रॉ करने के लिए थीटा कहाँ से लेकर कहाँ तक वेरी किया, देखो जब 0 आपने पुट किया तो ये यहाँ पे कर्व था, जब π/4 पुट किया तो आपका कर्व यहाँ पे आ गया, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक गया, इसके बीच थीटा इक्वल टू 0 से लेकर π/4 तक जो है क्रॉसिंग किया, मतलब ये लिमिट इनका रहा, है ना, मतलब यहाँ से यहाँ तक जाने में थीटा वेरी होगा 0 से लेकर π/4, समझ में आ गया, तो आपका जो 0 से लेकर π/4 हो जाएगा, ओके फ्रेंड्स। और उसके बाद जो है इन चारों को निकालना है, तो आपको 4 से मल्टीप्लाई करना होगा, ये एरिया है, उसके बाद इसमें आपको लिख देना है, इसमें क्या वही जो लिखते हो आर डी आर डी थीटा, ये आर का लिमिट है, तो आर के रिस्पेक्ट में पहले होगा, तो देखो क्या हो जाएगा, 4 थीटा को इधर भेजो, ये भी काम का नहीं है, ये 0 से लेके ए कॉस 2 थीटा आर डी आर हो जाएगा, इसको इंटीग्रेट करो, 4 0 से लेके π/4 डी थीटा, आर का आर स्क्वायर बाई 2 होता है, 2 को इधर भेज दो, ओके 0 से लेके ए कॉस 2 थीटा, आर की जगह वैल्यू पर 2 दुनी के 4 पहले काट लो, 0 से लेके π/4 और आर के जगह पे ए पुट करो, एक बार 0 पुट करो, 0 पुट करो तो कुछ मिलने वाला था है नहीं, तो सिंपली ए ही होगा, तो इसको पुट करो यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे ए स्क्वायर कॉस 2 थीटा हो जाएगा, है ना, जब आर की जगह पे पुट करोगे तो आपको ये मिलेगा ना फ्रेंड्स, और ये डी थीटा हो जाएगा। अब क्या करना है, ए स्क्वायर को बाहर भेजो, तो ये हो जाएगा 2a² और बचा अंदर 0 से लेके 5a4 कॉस 2 थीटा डी थीटा, कॉस 2 थीटा का इंटीग्रेशन साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2, लिमिट 0 से लेके 5a4 2a², उसके बाद क्या होगा फ्रेंड्स, यहाँ पे 2a² और 5a4 पुट करो, तो थीटा की जगह 5a4 पुट करोगे तो 2 और 4 तो π/2 हो जाएगा, sin π/2, sin π/2 का मान क्या होता है, 1 होता है, नीचे 2 आपका वेट कर रहा है, 0 पुट करो तो sin 0, sin 0 का मान 0 होता है, तो अब देखो यहाँ से 2 2 खत्म, तो फाइनली आपको आंसर क्या मिला, a² आंसर। अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा है, 6 नंबर, फाइंड बाय डबल इंटीग्रेशन द एरिया लाइंग इन साइड द सर्कल, ये सर्कल है आउटसाइड द कार्डियोइड, तो बोला कार्डियोइड के बाहर जो एरिया बन रहा है और जो सर्कल के जो अंदर एरिया बन रहा है उसको आपको निकालना है। तो देखो ये जो आपका है ये सर्कल है, ये कार्डियोइड है ना, तो सर्कल है तो इसको आप कैसे ड्रॉ करोगे, तो देखो फ्रेंड्स सर्कल को ड्रॉ करने के लिए आपको ट्रेसिंग आना ज़रूरी है, ठीक है ना, ये पोलर में है तो ट्रेस करोगे तो आपको मिल जाएगा, उसमें डिटेल में समझाया गया है,
यहाँ पे शॉर्ट में मैं समझाता हूँ आपको। देखो जब थीटा का मान आप 0 पुट करोगे तो आर का मान मिलेगा आपको 0, है ना। जब थीटा का मान आप पाई बाई 2 पुट करोगे तो आपको आर का मान मिलेगा क्या, ए मिलेगा, है ना। तो आर इक्वल टू ए, ए तक जाएगा आपका आर। ओके, इसमें साइन थीटा है तो साइन थीटा है मतलब परपेंडिकुलर टू इनिशियल लाइन। ए इनिशियल लाइन होता है, परपेंडिकुलर टू इनिशियल लाइन ए वाला हो गया जिसको आप वाई एक्सिस बोलते हो। तो ये हो गया, तो इसके अबाउट में सिमेट्रिकल होगा मतलब जितना इधर बनेगा इतना इधर भी बनेगा। तो देखो आर इक्वल टू ए तक जाएगा आपका, सपोज करो आपका ये ए है, सर्कल बन रहा है तो आपका कुछ इस तरह से बनेगा। मतलब ये जो आर इक्वल टू ए है ये डायमीटर का काम करेगा, जितना इधर बना उतना इधर भी बनेगा, कुछ इस तरह से, समझ में आ गए। अब ये रहा कार्डियोइड का बात। तो कार्डियोइड देखो, ये कार्डियोइड ये क्या है, और ए इंटू 1 माइनस कॉस थीटा है। तो जब ऐसा होता है, माइनस जब होता है तो कार्डियोइड का जो मुंह होता है इधर होता है, ठीक है, इधर मतलब इधर फैला होगा कुछ इस तरह से। तो देखो कुछ इस तरह से आपका होगा, इसमें देखो जब थीटा का मान आप 0 पुट करोगे तो जो आर का मान आएगा वो देखो 1 में से 1 जाएगा, 0 0 आ जाएगा। ओके, जब थीटा का मान आप इसमें पाई बाई 2 पुट करोगे 90, तो जो आर का मान आएगा पाई बाई 2 पुट करो तो कॉस पाई बाई 2 0, तो आपका आर का मान ए आ जाएगा। देख सकते हो थीटा इक्वल टू पाई बाई 2, थीटा इक्वल टू पाई बाई 2 पे दोनों का जो मान आ रहा है आर का वो सेम आ रहा है ना। यानी यहाँ पे 10 पॉइंट देख सकते हो, ए आपका आर इक्वल टू ए है ना, और ये जानते हो ये परपेंडिकुलर टू इनिशियल लाइन है यानी पाई बाई 2 है। तो पाई बाई 2 पे थीटा इक्वल टू पाई बाई 2 पे, थीटा इक्वल टू पाई बाई 2 पे ये एक दूसरे को कट कर रहे हैं, समझ में आ रहा है। दोनों का देख सकते हो आर का वैल्यू सेम आ रहा, तो यहाँ पे एक दूसरे को कट कर रहे हैं। अगर आप ऐसे निकालने में अक्षम हो, नहीं कर पा रहे हो आप, तो आप काम करो, दोनों का एक तरह से देख सकते हो दोनों में आर है तो इक्वल कर दो ए साइन थीटा और ए 1 माइनस कॉस थीटा। ओके, ए ख़त्म हो गया, ए साइन थीटा हो जाएगा इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। यहाँ पे लिख सकते हो साइन थीटा को 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इसको लिख सकते हो आप 2 साइन स्क्वायर, ठीक है, थीटा बाई 2 होता है और क्योंकि यहाँ पे थीटा है तो थीटा बाई 2 होगा, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 हो जाएगा। 2 से 2 ख़त्म हो जाएगा, यहाँ से 1 साइन ख़त्म हो जाएगा, तो यहाँ पे कॉस बचेगा, इधर साइन बचेगा, कॉस को इधर ले आओ तो कॉस को जब इधर लाओगे तो साइन बाई कॉस, तो टेन थीटा बाई 2 हो जाएगा इक्वल टू 1 हो जाएगा, है ना। थीटा बाई 2 इक्वल टू 1, थीटा बाई 2 इक्वल टू टेन इनवर्स 1 हो जाएगा। तो जानते हो आप थीटा बाई 2, टेन इनवर्स 1 क्या होता है, पाई बाई 4 वैल्यू होता है, 2 दुनिया 4, तो थीटा इक्वल टू पाई बाई 2। ऐसे ही आप निकाल सकते हो थीटा इक्वल टू पाई बाई 2, है ना। तो इससे पता ही चलता है कि मतलब थीटा इक्वल टू पाई बाई 2 पे एक दूसरे को कट कर। तो देखो क्वेश्चन में दिया गया है कि आपको एरिया निकालना है सर्कल का, सर्कल का अंदर का और कार्डियोइड के बाहर का। मतलब ये आपका कार्डियोइड देखो यहाँ पे, ये कार्डियोइड का है ना, ये कार्डियोइड है, कार्डियोइड और ये सर्कल है। तो कार्डियोइड के बाहर का, सर्कल का अंदर का, तो यही एरिया बन रहा है वो, तो ये हमें निकालना है। और इनके बीच जो कॉमन एरिया बन रहा है फ्रेंड्स, है ना, जो हमें निकालना है वो यहीं तक बन रहा है, थीटा इक्वल टू पाई बाई 2 तक ही बन रहा है। थीटा इक्वल टू 0 से शुरू हो रहा है, थीटा इक्वल टू पाई बाई 2 तक ही बन रहा है, इधर कहीं नहीं बन रहा, नहीं बन रहा है ना। तो आपका यही निकालना है, तो हमारा थीटा भी मिल गया, कहाँ से लेगा कहाँ तक, तो थीटा इक्वल टू 0। देखो थीटा इक्वल टू 0 पे देख सकते हो दोनों का आर का वैल्यू 0 है ना। तो मतलब यहाँ पे भी कट कर रहा है, लेकिन ये तो पोल है, कोई बात नहीं, तो पोल से ही क्रॉस हो रहा है तो बातें अलग है, लेकिन थीटा इक्वल टू पाई बाई 2 पे आपका यहाँ पे कट कर रहा है। तो देख सकते हो थीटा इक्वल टू 0 पे आर 0 आ रहा है, और थीटा इक्वल टू पाई बाई 2 पे आर का वैल्यू दोनों सेम आ रहा है। तो इस तरह से हमारा थीटा 0 से लेकर पाई बाई 2 तक होगा लिमिट। तो पहले आर का लिमिट लिया जाता है, तो आर का लिमिट लेने के लिए हम यहाँ पे एक लाइन खींचेंगे कुछ इस तरह से। तो ये जो लाइन है, एक कर्व को यहाँ पे एक टच कर रहा है, एक यहाँ पे टच कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे आर का वैल्यू क्या है और यहाँ पे आर का वैल्यू क्या है, तो यहाँ पे जब टच कर रहा है तो ये कार्डियोइड को टच कर रहा है, और यहाँ पे आपका सर्कल को टच कर रहा है, ठीक है, समझ में आ गए फ्रेंड्स। अब देखो लिमिट क्या होगा, देखो
यहाँ पे जब टच कर रहा है ये यहाँ पे ये, तो यहाँ पे कार्डियोइड टच कर, कार्डियोइड को टच कर रहा, कार्डियोइड में आर का वैल्यू देखो है ना, तो पहले आर का लिमिट लिखते हैं, तो हो जाएगा ए इंटू वन माइनस कॉस थीटा। यहाँ पे टच कर रहा, यहाँ पे यानी सर्कल को टच कर रहा, सर्कल का इक्वेशन आर इक्वल टू क्या है, ए, ए साइन थीटा। ठीक है भैया, थीटा कहाँ से कहाँ तक होगा, जीरो से लेकर पाई बाय टू तक, क्योंकि जीरो से लेकर पाई बाय टू तक ही हमें ये जो मिल रहा है, जो बोला गया क्वेश्चन में वो एरिया हमें मिल रहा है, और कार्डियोइड से बाहर सर्कल के अंदर, तो जीरो से लेकर पाई बाय टू, समझा गया। और बाकी कहानी लिख दो डिजिटल ईयर। अब क्या करना है फ्रेंड्स, अब तो कुछ करना ही नहीं है। अब देखो जीरो से लेकर पाई बाय टू पुट किया, डी थीटा लाओ, जो ए वन माइनस कॉस थीटा, ए साइन थीटा हो गया, आर डी आर हो गया, ओके ए थीटा जीरो से लेके पाई बाय टू डी थीटा, आर का आर स्क्वायर टू भी होगा नीचे लेकिन टू बाहर भेजो, तो ए वन माइनस कॉस थीटा ए साइन थीटा पुट करो भाई, तो वन बाई टू जीरो से लेकर पाई बाय टू, आर के जगह ए पुट करो तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस इसका स्क्वायर, तो ए स्क्वायर वन माइनस, अब देखो वन माइनस कॉस कॉस थीटा होगा, चलो कर बाद में कर लेंगे ठीक है, मैं यहीं पे मतलब ए माइनस बी के होल स्क्वायर पे ब्रेक कर देता, कोई बात नहीं है। यहाँ पे ए स्क्वायर दोनों में कॉमन कर लो तो ए स्क्वायर पर टू हो जाएगा, जीरो से लेकर फाइव पर टू हो जाएगा, यहाँ पे देखो ए साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस माइनस वन माइनस कॉस थीटा दिया, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर पे ब्रेक होगा, तो वन प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और माइन ए प्लस माइनस में तो माइनस होगा, टू कॉस थीटा डी थीटा, इसको हम अरेंज करके ऐसे लिख सकते हैं, देखो तो ऐसे लिख सकते हैं क्या, यहाँ पे कॉस ये जो है आपका, यहाँ पे देखो अभी जो माइनस अंदर जाएगा तो इसको माइनस में कर देगा, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कर देगा इसको, तो मैं क्या कर रहा हूँ माइनस कॉमन कर रहा हूँ, तो ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा ठीक है, और इसमें से भी माइनस कॉमन कर रहा हूँ तो ये माइनस हो जाएगा। अब फ्रेंड्स यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो अब क्या बचा, यहाँ पे आपका ये बचा और ये बचा, देखो एक्चुअल में आप ये जब करोगे ना माइनस को अंदर ले जाओगे तो आपको यही मिलेगा ठीक है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ फ्रेंड्स, अब ये माइनस अंदर जाएगा तो इसको प्लस कर देगा, तो टू कॉस थीटा हो जाएगा, और ये इधर जाएगा तो माइनस वन हो जाएगा, समझ में गया, ये डी थीटा हो जाएगा। अब देखो ये फॉर्मूला होता है कॉस को थीटा माइनस साइन को थीटा इक्वल टू कॉस टू थीटा होता है, कॉस को थीटा माइनस साइन को थीटा इक्वल टू क्या होता है कॉस टू थीटा, तो इसके जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ कॉस टू थीटा लिख सकता हूँ है ना, तो अरेंज करता हूँ प्लस वाला को पहले लिखता हूँ, इसको पहले लिखूँगा उसके बाद इसको, यहाँ पे कॉस टू थीटा हो जाएगा माइनस में और माइनस वन, तो देखो अरेंज करने के बाद ये स्क्वायर टू जीरो से लेकर नाइन्टी टू कॉस टू ठीक टू कॉस थीटा माइनस कॉस कॉस टू थीटा माइनस वन, टू कॉस थीटा माइनस कॉस टू थीटा माइनस वन डी थीटा हो जाएगा। अब सिंपली कुछ करना है, इंटीग्रेट करना है, तो ए स्क्वायर बाई टू, देखो टू तो कॉन्स्टेंट है, कॉस थीटा का इंडिकेशन साइन थीटा होता है माइनस कॉस टू थीटा का इंडिकेशन साइन टू थीटा बाई टू होता है माइनस वन, और डी थीटा से मल्टीप्लाई करोगे तो डी थीटा का इंडिकेशन थीटा लिमिट जीरो से लेकर पाई बाय टू, तो ए स्क्वायर बाई टू, अब जो है पाई बाय टू पुट करो तो इसमें पाई बाय टू पुट करोगे तो टू हो जाएगा, साइन पाई बाय टू वन होता है, और यहाँ पे पाई बाय टू पुट करोगे तो टू टू खत्म, साइन पाई का मान जीरो, और इसमें पुट करोगे तो पाई बाय टू हो जाएगा ठीक है फ्रेंड्स, जीरो पुट करोगे तो ए भी जीरो ए भी जीरो ए भी जीरो, तो ये जीरो पूरा जीरो हो जाएगा ओके। तो यहाँ से आपको क्या मिला, यहाँ से देखो ए स्क्वायर बाई टू, यहाँ से मिला टू, इधर पाई बाई टू ओके, इसमें से जो है आप वन बाई टू जो है अंदर अंदर भेज दो, तो ए स्क्वायर बाहर कर दो और वन बाई टू को अंदर भेजो, तो ये दो दो काट देगा, वन कर देगा और इसको कर देगा पाई बाई फोर कर देगा, ये आंसर है। फिर अगला क्वेश्चन देखो, सेवन नंबर, फाइंड द एरिया लाइंग इन साइड द कार्डवाइड, कार्डवाइड का अंदर एरिया बनेगा और आउटसाइड द पैराबोला, पैराबोला के बाहर बनेगा, मतलब इनके मिलने से एक एरिया बनेगा जो कार्डवाइड के अंदर होगा और पैराबोला के बाहर होगा। तो देखो इनको पहले ड्रॉ करते हैं, ये देखो कार्डवाइड है फ्रेंड्स, ये उसी की तरह है जैसे कि ए इंटू वन प्लस कॉस थीटा होता था ना वही है, अब यहाँ पे ए की जगह पे यहाँ पे वन है, तो पहले हम इस कार्डवाइड को बना लेते हैं,
देखो प्लस है, तो जब प्लस होता है तो कार्डियो वाल आपका किस तरह से होता है, इधर फैला होता है ना। तो देखो भाई, इधर आपका कार्डियो वाल फैला होगा कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से होगा। और ये फ्रेंड्स पैराबोला है, खुद इन लोग बोल रहे हैं कि पैराबोला है, बस पैराबोला है। और इसमें कॉस थीटा दिया है, तो यानी इनिशियल एंड के अबाउट सिमेट्रिकल होगा। अब देखो, जानते हो कि पैराबोला कैसा होता है, और कॉस थीटा इसमें दिया तो इनिशियल एंड के अबाउट सिमेट्रिकल, मतलब ये एक सेक्शन जिसको बोलते हो अब, इसके अबाउट सिमेट्रिकल होगा। यानी आपका ऐसे हो सकता है ना फ्रेंड्स, ये तो ऐसे होगा नहीं तो आपका एक ऐसे होगा, यही होगा ना। तो पहले तो चेक करते हैं कि ये पासिंग थ्रू पोल है कि नहीं, ओरिजिन से क्रॉस भी कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो उसके लिए देख लेते हैं आर का वैल्यू 0 आएगा कि नहीं आएगा कभी। तो देखो फ्रेंड्स, पहले चेक करते हैं। देखो थीटा का वैल्यू जब हम 0 पुट करते हैं, 0 पुट करते हैं, पहले इसमें देख लो, इसको लेट करो कि आप R1 ले लो, इसको R2 ले लो। ओके, तो R1 में जब आप थीटा का आप वैल्यू पुट करोगे 0, तो देखो 0 पुट करोगे तो आपको ये मिलेगा 1 1 1 2 हो जाएगा। R2 देखो क्या मिल रहा, इसमें जब 0 पुट करोगे आप थीटा इक्वल टू 0, तो क्या मिलेगा आपको, ये भी मिलेगा आपको 1, तो 1 प्लस 1 2, तो 1/2 हो जाएगा ये। ओके, जब आप इसमें थीटा का वैल्यू जो है π/2 पुट करोगे, 90 पुट करोगे, तो देखो 90 पुट करोगे तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, तो ये R1 इक्वल टू 1 मिलेगा। R2 देखो क्या मिलेगा, R2 आपको क्या मिलेगा यहाँ पे, R2 क्या मिलेगा फ्रेंड्स, 0 हो जाएगा तो 1 1 हो जाएगा यहाँ पर। तो R1 R2 दोनों सेम मिल रहा है थीटा इक्वल टू π/2 पे, यानी हमें ये पता चला थीटा इक्वल टू π/2 पे एक दूसरे को कट कर रहा है। ठीक है, तो जब थीटा का मान π/2 होता है, तो जो आपका कार्डियोइड होता है यहाँ पे होता है, ये हमने ट्रेसिंग में सीख रखा। तो यहाँ पे वैसे भी देख सकते हो, ये जो π/2 है आपका, ये परपेंडिकुलर टू इनिशियल लाइन है, तो ये दिस इज द π/2, दिस लाइन जब π/2 है, तो यहाँ पे ये जो कट कर रहा है, ठीक है, देख सकते हो। R1 का क्या वैल्यू है, R1 का वैल्यू 1 है, मतलब ये जो है R=1 है, ठीक है, ये 1 पे है, और R2=1 है, मतलब यहाँ से आपका क्रॉस करेगा। तो अब देखते हैं कि ये पोल से क्रॉस कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो फ्रेंड्स आप थीटा का कोई भी यहाँ पे मान रख लो, कोई भी मान रख लो आपका, ठीक है ना, R2 कभी भी 0 नहीं होगा, कभी भी 0 नहीं होगा। π/2 पुट करो तो 0 नहीं हो रहा है, 0 पुट करो तब भी नहीं हो रहा, -π पुट करो तो भी 0 नहीं होगा, -π पुट करोगे तो 1 में से 1 जाएगा, 0 हो जाएगा, तो वो अनडिफाइंड हो जाएगा, तो वो पॉसिबल नहीं है, तो ये कभी 0 नहीं होगा। यानी मिनिमम से मिनिमम ये क्या हो सकता है, R इक्वल टू यहाँ पे क्या हो सकता है फ्रेंड्स, R=1/2 हो सकता है। देख सकते हो जब थीटा मिनिमम थीटा 0, ठीक है, थीटा 0 हमें यहाँ पुट करें तो कितना आ रहा है, R2=1/2 आ रहा। तो लेट करो, अगर ये 1 है तो इसका आधा होगा हाफ, तो इसका आधा हम हाफ यहाँ पे लेते हैं, तो थीटा ये 0, थीटा इक्वल टू 0 यही तो है इनिशियल लाइन पर, तो थीटा इक्वल टू 0 बोलते हैं, तो यहाँ पे आपका है, ठीक है, तो यहाँ से है, और इसमें कॉस थीटा है, तो ये इनिशियल लाइन के अबाउट सिमेट्रिकल भी होगा। तो एक चीज़ बताओ, यहाँ पे भी कट कर रहा है, यहाँ पे भी कट कर रहा है, तो जब ऐसे बनेगा तभी तो कट करेगा, ऐसे बनेगा थोड़ा ना कट कर पाएगा, ऐसे बनेगा तो यहाँ पे कट करेगा, कर पाएगा कभी नहीं, तो ये पैराबोला कुछ इस तरह से होगा। बन गया पैराबोला। अब देखो उसमें बोला गया क्वेश्चन में, कार्डियोइड के अंदर एक कार्डियोइड है और पैराबोला के बाहर, ये पैराबोला है इसके बाहर, पैराबोला के बाहर तो ये एरिया बन रहा है, ठीक है, ये हमें निकालना है। तो ये निकालने के लिए हमें पोल से एक लाइन ड्रॉ करना होगा, ये ड्रॉ कर दी मैंने, है ना, यहाँ से आर का लिमिट डिफाइन हो जाएगा। तो देखो आर यहाँ पे टच कर रहा कर्व को, और यहाँ पे टच कर रहा है, तो यहाँ पे आर का वैल्यू क्या है बताओ, यहाँ पे जब टच कर रहा है तो एक्चुअल में पैराबोला को टच कर रहा है, तो यहाँ पे एक्चुअल में ये R2 है ना, यहाँ पे ये है। तो फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा R2 1/1 cos θ, यहाँ पे टच कर रहा था, यहाँ पे यानी कार्डियोइड को टच कर रहा है, यहाँ पे आर का वैल्यू क्या है, यानी R1 है, जो कि 1 × 1 cos θ है। और बोलोगे थीटा का लिमिट कहाँ से लेके कहाँ तक है, तो देखो फ्रेंड्स यहाँ पे आपका ये कट कर रहा है एक दूसरे को, है ना, और जितना एरिया ऊपर ये बन रहा है उतना नीचे भी बन रहा है, तो हम सिर्फ इसको निकाल रहे हैं और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जिससे हमें ये भी मिल जाएगा। ओके, तो यहाँ पे कट कर रहा, तो यहाँ पे लेके और यहाँ तक एरिया आपका थीटा इक्वल टू 0 पे ये यहाँ पे है, और थीटा इक्वल टू 0 पे ये यहाँ पे है। ओके ओके, ठीक है, इनिशियल लाइन पे ही दोनों है, देख सकते हो थीटा इक्वल टू 0 पे दोनों इनिशियल लाइन पे यहाँ पे है,
यहाँ पे है और यहाँ पे है, थीटा इक्वल टू पाई बाई टू पे यहाँ पे एक दूसरे को कट कर रहे, तो ये एरिया बन रहा है। ओके तो लिमिट हमारा जीरो से लेकर 90 हो जाएगा, तो यहाँ से लेंगे आर का लिमिट पहले लेते हैं, तो यहाँ पे टच कर रहा है और यहाँ पे टच कर रहा, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 1/1 प्लस कॉस थीटा, और अपर लिमिट ये आपका हो जाएगा 1 1 इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। वन मत लिखो, ये दिया भी नहीं है ऐसे, मतलब समझाने के लिए मैंने 1 लिखा था, 1 इंटू ये हो गया थीटा का मान 0 से लेकर पाई बाई 2। ओके और उसके बाद जो बारी बाकी कहानी लिख दो, डी थीटा डी आर ऐसे होता है जो, उसको लिख दो। अब इसको इंटीग्रेट करो, सिंपल है। अब देखो नीचे एरिया भी बन रहा है आपका, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करो, तो देखो ये आपका हो गया। अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, तो जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो आर दिया है, तो ये आर का लिमिट है, आर के रिस्पेक्ट में करेंगे, और थीटा हमारे काम का नहीं, इस साइड भेज दिया, तो आर हो गया, आर डी आर हो गया, आर का इंटीग्रेशन आर स्क्वायर बाई टू, टू को मैंने इधर भेज दिया, टू टू खत्म है ना। एक बार अपर लिमिट, एक बार लोअर लिमिट, अपर पुट के ये और लोअर पुट के ये स्क्वायर में स्क्वायर कर दिया, ठीक है। अब इनको मैं सेपरेट कर दिया, ठीक है, इनको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ इस तरह सेपरेट कर दिया। यहाँ पे देख सकते हो इसे इक्वेशन 1 बोलो, ये इक्वेशन 1 हो गया, इसको I1 ले लो, इसको I2 लो, इसको सेपरेटली सॉल्व करो, इसको सेपरेटली सॉल्व करो, दोनों को यहाँ पे रखो। तो देखो जब मैं इसको सॉल्व करूँगा, I1 लेता हूँ पहले, तो 1 प्लस कॉस थीटा है, तो ये प्लस पी को इसका ब्रेक करूँगा, ब्रेक कर दिया। कॉस को थीटा की जगह मैं ये लिख सकता हूँ 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2, ये फार्मूला होता है फ्रेंड्स, ये फार्मूला होता है, तो इसकी जगह पे मैं ये लिख सकता हूँ। ओके अब यहाँ पे देखो 1 इंटू डी थीटा, डी थीटा हो जाएगा, डी थीटा का इंटीग्रेशन थीटा हो जाएगा, 1/2 कॉन्स्टेंट है, 1 dθ, डी थीटा होगा, डी थीटा का इंटीग्रेशन थीटा हो जाएगा, cos 2 थीटा का इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन sin 2θ/2 हो जाएगा, यहाँ पे 2 कॉन्स्टेंट है, cos थीटा का इंटीग्रेशन sin थीटा हो जाएगा, 0 से लेकर पाई बाई 2 लिमिट रखा, मतलब इंटीग्रेट कर दिया इसको। अब देखो जब लिमिट पुट करूँगा, जब पाई बाई 2 पुट करूँगा, तो ये पाई बाई 2 हो जाएगा, ये पाई बाई 2 हो जाएगा, ये पाई बाई 2 इसमें पुट करूँगा, 0 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि 2 2 खत्म, sin पाई का मान 0 होता है, तो ये हो जाएगा सिर्फ यहाँ पे पाई बाई 2 आपको मिलेगा, और यहाँ पे sin पाई बाई 2 पुट करोगे तो आपको 1 मिलेगा, तो 2, और 0 पुट करोगे तो ये भी 0, सब 0 हो जाएगा, तो सिर्फ पाई बाई 2 काम का है ना। तो पुट करने के बाद आपको ये मिलेगा कुछ इस तरह से। ओके इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, तो पाई बाई 4 हो जाएगा ये, और ये पाई बाई 2 है, ये 2 है, तो इन दोनों को जोड़ो तो 3 पाई बाई 4 हो जाएगा, और प्लस 2 हो जाएगा, I1 आ गया। अब I2 निकाल लेंगे, ये I2 आपका गिवन है, 1 प्लस कॉस थीटा स्क्वायर को है ना, ये स्क्वायर दिया है इस पर, तो 1 प्लस कॉस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 लिख सकते हैं, ऐसा हम लिख सकते हैं, फॉर्मूला होता है। ओके ठीक है भाई, तो यहाँ पे इसको लिख सकते हैं, ये देखो दो दोनों के 4 हो जाएगा, ये स्क्वायर है इसलिए 4 हो जाएगा, तो 1/4 बाहर कर दिया, कॉन्स्टेंट है, कॉस के पावर 2 है और 2 है, 4 हो जाएगा, कॉस के पावर 4 हो जाएगा, और हम जानते हैं 1/cos क्या होता है, सेक होता है, फॉर्मूला कौन सा, तो ये ऊपर जाएगा तो सेक में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये सेक के पावर 4θ/2 हो गया। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, मतलब सिंपल यहाँ पे थीटा सिर्फ नहीं है, यहाँ पे 1/2 है, डिवाइड है 2 से, इसलिए हम इसको हटाने के लिए एक्स लेट कर लेंगे, तो एक्स इक्वल टू θ/2 लेट कर लिया मैंने, तो इसको थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया, तो ये हो गया dx, और dθ/2 होगा, लेकिन 2 मैंने इधर भेज दिया, ठीक है, तो 2 dx हो गया और इक्वल टू dθ, तो dθ की जगह मैं ये लिख सकता हूँ, जब थीटा मैं 0 पुट करूँगा इसमें, तो x का मान 0 होगा, जब थीटा पाई बाई 2 यानी अपर लिमिट पुट करूँगा इसमें इसमें, तो x का मान पाई बाई 4 होगा, तो लिमिट चेंज 0 से लेकर पाई बाई 4, और ये जो 2 है इधर बाहर भेजा, दो दूनी के 4, और यहाँ पे θ/2 है, उसके जगह पे हम एक्स पुट करेंगे, और डी थीटा की जगह हम जो ए लिख सकते हैं 2 dx, तो 2 बाहर भेज दिया और dx लिख दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है फ्रेंड्स। अब ये यहाँ पे रिडक्शन फार्मूला अप्लाई होगा सेक का, सेक के रिडक्शन फार्मूला कौन सा, जो सेक का आपका रिडक्शन फार्मूला होता है आपका सेक के पावर एन और dx होता है, वो फार्मूला आपका होता है सेक एन माइनस 2 एक्स टेन एक्स डिवाइडेड बाई एन माइनस 1 प्लस एन माइनस 2 एन माइनस 1 और सेक एन माइनस 2 एक्स डी एक्स होता है, एक फार्मूला होता है, बस इस फॉर्मूले को उठा कर रख दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो 4 में से 2 जाएगा तो 2 बचेगा, 4 में से 1 जाएगा तो 3 बचेगा है ना, लिमिट अप्लाई, उसके बाद यहाँ पे 4 में से 2 जाएगा तो 2 बचेगा, 4 में से 1 जाएगा तो 3 बचेगा, यहाँ पे 2 जाएगा तो 4 में से 2 जाएगा तो 2 बचेगा, इस तरह से हो गया।
ओके लिमिट अप्लाई करने के बाद मुझे ये मिलेगा 2/3। क्यों? क्योंकि सेक पाई फोर क्या होता है, रूट टू होता है, रूट टू का स्क्वायर 2 होता है और 10 पाई फोर 1 होता है, तो 2 × 1 आपका 2 हो जाएगा, तो ये आपको मिलेगा। ओके फ्रेंड्स, ठीक है। अब देखो, अब सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन 10x होता है, लिमिट 0 से लेकर पाई फोर। ओके, और ये 2/3 एज इट इज, यहाँ पे पुट करो, पाई फोर पुट करो तो 1 हो जाएगा, और 0 पुट करो तो 0 हो जाएगा, तो 1 में से 0 1, तो 2/3 × 1 आपका क्या हो जाएगा, 2/3 होगा। 2/3 2/3 दोनों को जोड़ दो तो 4/3 हो जाएगा। ये कट गया 2, है ना, तो ऊपर 2 नीचे 3, तो 2/3 I2 का मान 2/3 आ गया। I1 I2 मिल चुका है, उठा के रख देंगे इसमें, इसमें तो यहाँ पे रखेंगे I1, यहाँ पे I2। तो देखो I1 प्लस I2 नहीं, I1 माइनस I2 है, उसे माइनस दिया है ना, तो कर लेते हैं। तो I1 का जो वैल्यू था वो 3π/4 आया, +2 आया था, और माइनस जो I2 का वैल्यू था वो आया था 2/3। तो 3π/4, 2 में से 2/3 को माइनस करो तो आपको मिलेगा 4/3, तो ये आपको आंसर मिलेगा, ये आपका आंसर है फ्रेंड्स। आंसर में देखोगे तो आपको ये सिर्फ दिया हुआ जो कि गलत दिया है, राइट आंसर यही है। पहला क्वेश्चन करते हैं इस वीडियो का, लास्ट क्वेश्चन 8 नंबर। फाइंड द एरिया कॉमन टू द सर्कल दिस और दिस बाय डबल इंटीग्रेशन। डबल इंटीग्रेशन का यूज़ करते हुए आपको कॉमन एरिया फाइंड करने हैं सर्कल से, जो दो सर्कल के क्वेश्चन हैं। देखो फ्रेंड, दोनों सर्कल ले दिया है तो इसलिए मैंने R1 R2 यहाँ पे मेंशन कर दिया, जिससे पहचान में आ जाए कि कौन सा R1 है कौन सा R2, मतलब दोनों तो सर्कल ही है ना, तो पहचानने के लिए। अब देखो ये, अब देखो ध्यान से, इसमें कॉस थीटा है, यानी ये क्या होगा, इनिशियल लाइन के अबाउट सिमेट्रिकल होगा। सर्कल तो होगा लेकिन इनिशियल लाइन के अबाउट सिमेट्रिकल होगा। और आर इसका मैक्सिमम कितना जा सकता है, ये जा सकता है। देखो थीटा जब 0 में पुट करूँगा तो R1 का वैल्यू क्या आएगा, देखो तो R1 का वैल्यू ये आएगा, और R2 का वैल्यू क्या होगा, R2 का वैल्यू 0 0 हो जाएगा। ओके, और वहीं पे अगर मैं थीटा इक्वल टू π/2 पुट करूँ, देखो आपको रेंज लेना है ना, तो 0 से लेकर 90 ही लो, मैक्सिमम किस में आ जाता है। और R1 का क्या माना गया यहाँ पे, देखो R1 का मान क्या आएगा, जब π/2 इसमें पुट करोगे तो ये 0 हो जाएगा, और R2 क्या निकल के आएगा, R2 तो R2 देखो क्या निकल के आएगा, 90 पुट करने से ये निकल के आएगा, तो ये जो R1 है आपका मैक्सिमम ये तक जाएगा। ये डायमीटर है फ्रेंड्स, सर्कल खुद क्वेश्चन बोला है सर्कल है, तो बात खत्म, सर्कल है। कॉस थीटा है तो इनिशियल लाइन के बोर्ड सिमेट्रिकल होगा, तो ये जो R1 होगा कुछ इस तरह से बनेगा, ये तो गया मैक्सिमम ए तक जाएगा, दिस पॉइंट इज ए, आर इक्वल टू ए, कब थीटा इक्वल टू 0 होगा, तो देख सकते हो थीटा 0 पता है, R1 आपका ए आ रहा है, आ रहा ना, है ना, इनिशियल लाइन पे आपका ए तक जाएगा। ओके ठीक है, सिमेट्रिक होने के कारण नीचे ही बनेगा। ओके ठीक है, अब यहाँ पे देखो R2 को बनाएंगे, ये भी सर्कल ही है, तो जब यहाँ पे थीटा 0 पुट किया जा रहा है, थीटा 0 पुट किया जा रहा है, कहाँ गया, ठीक है, तो थीटा जब 0 पुट किया जा रहा है तो R2 का वैल्यू 0 आ रहा है, तो यहाँ पे आपका कर्व है, अभी जब थीटा 90 है तो R2 ए है, मतलब इस पे जो है ये कितना जाएगा, ए तक जाएगा, ए π/2 है फ्रेंड्स, ए क्या है, ए π/2 है ना, तो ये आपका ए तक जाएगा, लेट करो ये आपका यहाँ पे है, और इसमें साइन थीटा है तो ये इनिशियल लाइन के परपेंडिकुलर जो लाइन आता है उसके अबाउट सिमेट्रिकल होगा, तो ये कुछ इस तरह से बनेगा, ठीक है, मतलब दोनों बराबर ही बनता है, दोनों का रेडियस सेम ही है, रेडियस बोल रहा हूँ, डायमीटर सेम ही है, तो दोनों बराबर ही बनता है, छोटा बन गया मेरा, छोड़ बड़ा बना देता है थोड़ा सा, समझ में आ गया, दोनों बराबर ही बनेगा। अब देखो फ्रेंड्स, हमें एरिया आप निकालने हैं, तो देखो एक दूसरे को कहाँ पे कट कर रहे हैं ये भी हमें देखना है, तो ये देखना है, तो क्या करते हैं, ये दोनों को हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो जब दोनों को डिवाइड करेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, ए साइन थीटा डिवाइडेड बाई ए कॉस थीटा। ओके, और R/R, ये R1 R2 तो मैंने लिखा है ना, दिया तो आ रही है, R कट गया, A कट गया, sin/cos 10 होता है, थीटा का मान 10 इनवर्स 1, तो थीटा का मान क्या हो जाएगा, π/4 हो जाएगा, यानी π/4 पे कट करेंगे, दिस इज द थीटा इक्वल टू π/4 है, तो इस पॉइंट पे एक दूसरे को कट कर रहे हैं, एरिया हमें फाइंड करना है। तो देखो ये पहले इसको दो भागों में बांट दो, पहले क्यों, देखो यहाँ पे छोटा
बन गया, इसलिए आपको दिख नहीं रहा। यहाँ पे मैं आपको अच्छे से दिखाने के लिए वो करता हूँ। देखो क्यों मैं ऐसा कर रहा हूँ, दो भागों में बांट के बना उसको। देखो अगर मैं आर को, क्योंकि देखो यहाँ पे जब आर मैं ड्रॉ करूँगा ना, तो आर कैसे लूँगा, या तो ऐसे ले सकता हूँ ऐसे, ठीक है, पासिंग थ्रू तो पोल ही होगा हमेशा। ओके तो ऐसे लूँगा तो कहाँ तक हो जाएगा, यहाँ तक आपका जा सकता है, यहाँ तक। इसके बाद जाएगा तो दूसरा दूसरा आ जाएगा यहाँ पे। देखो ये जो, अगर ये आर वन है तो ये आर टू है, तो जब यहाँ से जाएगा तो दूसरा में आर टू में आ जाएगा, समझ रहे हो। तो कहाँ तक मैं मैक्सिमम ड्रॉ कर सकता हूँ, यहीं तक ड्रॉ कर सकता हूँ फ्रेंड्स। यहाँ पे जाऊँगा तो दूसरा आ जा रहा है, ठीक है, तो मैक्सिमम मैं यहीं तक, ये आर जो है आपका वेरी हो सकता है। कहने का मतलब यहाँ तक मैं ऐसे लाइन खींच सकता हूँ, ऐसे खींच सकता हूँ, ऐसे खींच सकता हूँ, लेकिन मैं इधर नहीं खींच सकता। इधर खींचूँगा तो क्या होगा ना, इधर खींचूँगा तो आपका यहाँ पे कुछ और कर्व आ जा रहा है, समझ में आ रहा है फ्रेंड्स। तो ये एक साथ तीन को नहीं ले सकते, ठीक है। यहाँ पे जीरो भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ऐसा थोड़ा ना होता है। तीन थोड़ा ना हो, दो ही चलेगा, लिमिट आपका दो ही रहता है ना फ्रेंड्स, लिमिट आपका दो ही रहता है। तो हम दो ले सकते हैं, जीरो से लेके ये ले सकते हैं, नहीं तो जीरो से लेके ये ले सकते हैं। तो हम जो लाइन खींचने वाले हैं यहाँ से पोल से, कुछ ऐसे खींचेंगे, ओके ठीक है, दो लाइन खींचेंगे। ये यहाँ से आर इक्वल टू जीरो से लेके यहाँ पे हम दो लाइन खींचेंगे, एक इस पे आर वन के लिए और एक यहाँ पे आर टू के लिए। तो यहाँ पे आपका दो रीजन बन जाएगा, समझ में आ गया। यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा होगा, छोटा सा आर और ये छोटा सा आर यहाँ पे, ठीक है, तो दो रीजन बनेगा। अब देखो दोनों का लिमिट क्या होगा। तो देखो ये जब आर जो है ना इसको टच करेगा ना, देखो ये जो आर यहाँ पे, पहले इसके लिए देख रहा हूँ है ना, ये एरिया हमें निकालना है पूरा का पूरा, दो पार्ट में बांट दिया। अभी यहाँ पे जब इसको टच करेगा, ये आर टू है, आर टू का इक्वेशन क्या है, आर टू का ए साइन थीटा, ठीक है, ए साइन थीटा। तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये एरिया जा रहा है इस पॉइंट तक, और ये पॉइंट जो है थीटा का मान यहाँ पे पाई फोर है, पाई फोर है। तो जीरो से लेके, जीरो से लेके पाई फोर तक एरिया ही जाएगा, एंगल मिल गया, और हमें आर का भी मिल गया, आर जीरो से लेके आर टू तक जाएगा ये, ओके। तो एक हमारा हो जाएगा जीरो से लेके, यहाँ पे टच किया तो यहाँ पे आर का वैल्यू क्या है, ए साइन थीटा, ए साइन थीटा हो गया, ठीक है। अब देखो फ्रेंड्स, यहाँ डी डी थीटा तो एज इट इज रहता है, इसमें कुछ हेटर नहीं। अब यहाँ पे थीटा कहाँ से लेके कहाँ तक वेरी कर रहा है फ्रेंड्स, यहाँ पे देखो थीटा कहाँ से लेके कहाँ तक वेरी कर रहा है, ये आपका यहाँ पे थीटा इक्वल टू जीरो से लेके पाई फोर तक, यहाँ तक एरिया बन रहा है वाला है ना, तो जीरो से लेके पाई बाई फोर हो जाएगा, ओके फ्रेंड्स, ठीक है। अब प्लस करो, इधर वाला भी निकालना है, इधर भी। तो ये लाइन खींचा हमने, ये जीरो और इसको टच कर रहा है, ये किसका इक्वेशन है, यहाँ पे देखो ये आर वन का है, आर वन क्या है, आर वन क्या है, ए कॉस थीटा, ए कॉस थीटा। तो ये हो जाएगा, आर का लिमिट पहले लिखते हैं, तो जीरो से लेके ए कॉस थीटा। अब इसका थीटा कहाँ से लेके कहाँ तक वेरी कर रहा है, दिस पॉइंट इज ए पाई ऑफ फोर, दिस पॉइंट इज ए पाई ऑफ फोर, थीटा इक्वल टू पाई ऑफ फोर है, और यहाँ पे आपका कर्व ऐसे जा रहा है और यहाँ पे ख़त्म हो जा रहा है, आर इक्वल टू जीरो है ना, तो आर इक्वल टू जीरो पे फिर से आ जा रहा है, यहाँ से शुरू हो रहा है कर्व, यहाँ पे आपका आ जा रहा है। तो जब यहाँ से शुरू हो रहा है तो ये फाइव फोर है, और यहाँ पे जब ख़त्म हो रहा है, आर जीरो कब हो रहा है, देखो इसमें आर वन में आर जीरो कब हो रहा है, आर जीरो कब हो रहा है, देखो आर कहाँ गया, आर वन, आर जीरो कब हो रहा है, जब थीटा पाई बाय टू हो रहा है ना। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, पाई बाय फोर से लेके पाई बाय टू हो जाएगा, और बाकी कहानी डी या डी थीटा। आप कुछ नहीं करना, इंटीग्रेट करना, इंटीग्रेट करो इसको जो है, दोनों को साथ में इंटीग्रेट कर लो, आई वन आई टू लेने की जरूरत नहीं है, दोनों को साथ में इंटीग्रेट करो, आपका आंसर आ जाएगा। चलो करते हैं फ्रेंड्स, क्या करना है, डी थीटा को इधर भेजो और डी आर को इधर रखो, क्योंकि आर का लिमिट पहले दिया, तो आर का रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगा पहले। इधर भी डी थीटा इधर भेजो, सब करने के बाद आपको ऐसे मिलेगा। उसके बाद सिंपली आर को इंटीग्रेट करना है, तो आर स्क्वायर बाई टू, टू को बाहर भेजा, सेम यहीं पर भी होगा वही है ना। उसके बाद फ्रेंड्स कुछ नहीं, लिमिट पुट करना है, तो अपर लिमिट ही सिर्फ काम आएगा, जीरो तो काम आएगा नहीं है ना, तो इसको भी यहाँ पे पुट करो, तो आपको ये पुट करने से लिमिट आपको ये मिलेगा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर डीटा डीटा हो जाएगा, यहाँ पे ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर डीटा डीटा हो जाएगा। अब देखो ये फार्मूला होता है, यहाँ पे ए स्क्वायर बाहर भेज दो और यहाँ पे भी ए स्क्वायर बाहर भेज दो, ठीक है। यहाँ पे फार्मूला होता है साइन स्क्वायर डीटा इक्वल टू होता है वन माइनस कॉस टू डीटा डिवाइडेड बाई टू होता है, तो टू जो डिवाइडेड होता है वो मैंने बाहर भेज दिया। यहाँ पे होता है फॉर्मूला वन प्लस कॉस टू थीटा डिवाइडेड बाई टू होता है, टू मैंने बाहर भेज दिया, तो ये फार्मूला है, ओके ठीक है। अब यहाँ पे फ्रेंड्स वन
और यहाँ पर डी थीटा होगा, ठीक है, तो 1 इंटू ओ डी थीटा, डी थीटा होगा, डी थीटा का इंटीग्रेशन थीटा हो जाएगा, कॉस 2 थीटा का ये आपका होगा, और यहाँ पे आपका 1 इंटू डी थीटा, डी थीटा, डी थीटा का इंटीग्रेशन थीटा होगा, कॉस 2 थीटा का ये इंटीग्रेशन होगा। लिमिट पुट कर दो, देखो दोनों में ए स्क्वायर बाई फोर और ए स्क्वायर बाई फोर कॉमन हो जाएगा, है ना, कॉमन कर लिया दोनों में, दो दूनी के 4 ना, ए स्क्वायर बाई फोर कॉमन। आप पाई फोर लिमिट पुट करो, जब इसमें पाई फोर पुट करोगे आप, ठीक है, तो ये पाई बाई फोर हो जाएगा, ए आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा और 1/2 हो जाएगा। ओके सेम थिंग यहाँ पे आप पुट करोगे, पाई फोर से लेकर पाई बाई टू, पाई बाई टू पुट करोगे तो आपको, और पाई फोर पुट करोगे तो आपको फाइनली मतलब करके आपको ये मिलेगा, कर लोगे, कोई बड़ी चीज़ तो है नहीं, है ना, तो ये आपको मिलेगा। आप देखो दोनों ये एक से साथ करो, एक साथ करो, पाई फोर एक साथ, माइनस पाई बाई टू एक साथ, अब इन दोनों को जोड़ोगे तो पाई बाई टू होगा, इन दोनों को जोड़ोगे तो आपका 1 आएगा माइनस में, तो ये आपको फाइनल आंसर है, ये आपका करेक्ट आंसर है जो बुक में दिया है, सिर्फ ए स्क्वायर बाई फोर दिया है जो कि गलत है, ये भी होगा, ठीक है, राइट आंसर आपका ये है। तो फ्रेंड्स ये कंप्लीट सॉल्यूशन प्रॉब्लम 7.2 का, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।